चलिए दोस्तों शुरू करें चलो दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं आने वाले दस दिन अपन सारे इम्पोर्ट एक बार चैप्टर का फ्लो पूरा फ्लो डिसाइड कर लेते हैं विद डेट्स वगैरह आप लोग पहला पेज है रफ कॉपी का मैथ्स के लिए कोई भी महंगी वाली हाँ क्या चीज़ नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है फैन चलाना है ए चलाना है हाँ मतलब बड़े लोग भाई चालू कर दे ए सी वे यहाँ से बटन दबाना पड़ता ये हाँ ठीक है देखो यहाँ पे ए, ए सी का नियम ऐसा है हर पंद्रह मिनट वो ठंडा ठंड लग, लगती बहुत तो बता देना कि सर बंद कर दो वो चलता रहता है यहाँ का नियम है इस रूम का और अपना बहुत जल्द नीचे वाला क्लासरूम नया रेडी हो रहा है तो अपन उसमें शिफ्ट कर जाएंगे दो तीन दिन में थर्ड फ्लोर पर चलो दोस्तों लिखो सबसे पहले एक बार कॉपी में अपन चैप्टर का फ्लो डिसाइड कर लेते हैं ताकि आपको पता होना चाहिए कब क्या आने वाला है कौन कौन सा चैप्टर्स आने वाले हैं देखो एक बार ईमानदारी से बताना कितने लोगों को बेसिक्स ऑफ मैथ्स में दिक्कत है अब इसको एक्सेप्ट करना सबसे टफ काम कि हमको बेसिक्स में दिक्कत है ये एक्सेप्ट करना सबसे टफ काम है लेकिन मैं आज को, आपको बताता हूँ आपको किस बेसिक्स की रिक्वायरमेंट है जो आपको आना चाहिए यदि आपको लगता है हाँ सर हमें ये बेसिक्स में दिक्कत है किसी एक भी पॉइंट पे दिक्कत है मैं दस चीज़ें बोलूँ उसमें एक भी पॉइंट में दिक्कत है तो अपन अप, अपन एक दिन स्पेसिफिक क्लास सिर्फ बेसिक्स की रखेंगे चाहे वो आने वाला संडे हो क्योंकि देखिए मैथामेटिक्स में जो बेसिक्स की वजह से आपके जो चैप्टर हिलते हैं वो मैथ्स के सारे चैप्टर नहीं हिलते ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी हिलता ना पॉम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हिलता ना प्रोबेबिलिटी हिलता ना थेरोटिकल डिस्ट्रीब्यूशन हिलता मेरा कहने का मतलब ये बेसिक्स ऑफ मैथ्स की वजह से आपके कोर चैप्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता फर्क पड़ता है बेसिक्स ऑफ मैथ्स की वजह से आपके अल्जब्रिक बेस्ड चैप्टर में जिसमें कि रेशियो एंड इंडाइसिस हो सकता है आपका लॉगेदम आता है इक्वेशन आता है इनइक्वालिटी आता है जहाँ जहाँ पे ये एक्स लेट इट बी एक्स सुनते ही हालत खराब हो जाती है अरे यार ये एक्स वाई जेड बीटा गामा ये सब चीज़ें परेशान करती हैं ये इन सभी चीज़ों पे आपका बेसिक्स का इम्पैक्ट वहाँ पर पड़ता है लेकिन यदि मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी से बड़े चैप्टर की बात करूँ प्रोबेबिलिटी की बात करूँ आप चाहे डे वन पे प्रोबेबिलिटी पढ़ो चाहे आप डे वन पे थेरोटिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ो आपका बेसिक्स कितना ही वीक हो आपको एलसीयम नहीं आता प्राइम नंबर ऑड नंबर इंटीजर भूल गया हो इसका इन बड़े चैप्टर में बिल्कुल भी प्रभाव नहीं है बस फ़र्क इतना ही किया तो हम पूरा सौ पढ़ के नहीं जाते या तो हम पूरा सौ पढ़ के जाते तो हमें क्लैरिटी नहीं होती मतलब हम हर क्वेश्चन के लिए अलग 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 मेथड नहीं लगा सकते हमें एक रिजिड मेथड एक स्पेसिफिक मेथड पे अच्छा खासा कमांड सेट करना है और हर क्वेश्चन पे अप्लाई करने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए ठीक है ये पॉइंट क्लियर है तो मैं आज दोस्तों बताता हूँ बेसिक्स ऑफ मैथ्स में हमें किन चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए और कौन से चैप्टर के पहले इसमें आपका कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए जैसे कि अभी ब्रैकेट ओपन करना है अभी ब्रैकेट को ओपन करने में गलतियाँ कर देते हैं अपन बेसिक्स में डेरीवेशन आएगा डेरीवेशन बहुत आसान है लेकिन डेरीवेशन में ब्रैकेट ओपन करने में डी वाई बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करने में ब्रैकेट ओपन करते वहाँ पे गलती कर देते हैं हमको डेरीवेशन टफ लगने लग जाता है जबकि मेरा मानना है कि आप डेरीवेशन में कभी भी कोई भी स्टेप में गलती नहीं करते स्टार्टिंग के दो स्टेप में बट आखिरी के जो तीन स्टेप्स होते हैं जहाँ पे पूरा बेसिक्स का यूज होता है बस अब हो गया डेरीवेशन तो हो गया अब ऑप्शन मैच करने के लिए ब्रैकेट ओपन कर ले और ऑप्शन मैच कर ले तो ऐसी जगह पर जाकर के आप लोग गलती करते हो ठीक है बेसिक्स अब देखो पावर सर सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन होता है आप सब कह दोगे लेकिन वही सेवन की पावर माइनस टू लिख दूं या तो वेरिएबल ऊपर पावर में चढ़ा दूं या तो वन अपऑन टू की पावर माइनस टू लिख दूं तो ये नेगेटिव पावर्स वगैरह को देख के हम डर जाते हैं नहीं नहीं यार कुछ तो अलग है अब अलग तो कुछ भी नहीं है लेकिन बस हमारा एक फोबिया आ जाता है हमारे सामने नहीं नहीं आ रही सब चीजें भी तुझे परेशान करने वाली है तू ऐसा एक बार में कैसा सही कर सकता है ऐसी गलतियां तीसरा बेसिक्स अब ये देखो उन्हीं पर मैं खेल रहा हूँ नंबर्स पर खेल रहा हूँ यदि मान लो टू की टू का स्क्वायर पूछूंगा तो आप बहुत आसानी से फोर कह दोगे पर वही टू के आगे मैं मा, माइनस लगा दूँ और पावर में भी माइनस लगा दूँ प्लस कर दूँ तो वहाँ पर भी एक कैलकुलेशन मिस्टेक अपन करना शुरू कर देते हैं क्या मतलब मैं कह रहा हूँ जो मैं बातें कह रहा हूँ ऐसा को रिलेट कर पा रहे हो कि हाँ हा, हम कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर देख आए तो बहुत पैनिक करते हैं इन सिचुएशन पर या तो हम वहाँ पर कुछ ना कुछ बेसिक सी गलतियाँ अटैच करना शुरू कर देते हैं अब प्रॉब्लम क्या होता है आपको लग रहा है कि अरे ये गलती तो मैं सुधार लूंगा ये गलती तो मैं सुधार लूंगा ये गलती तो मैं एग्जाम में ही नहीं करूंगा बट फैक्ट ये है आपके लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस आप सही अप्रोच करके भी बोलते हो यार ऑप्शन नहीं आ रहा पता नहीं क्या गलती कर रहा हूं यार मैं मैं तो कुछ भी गलती नहीं कर रहा हूँ, पर ऑप्शन क्यों मैच नहीं कर रहा है और ऐसे करके हम दस पंद्रह क्वेश्चन खराब करना शुरू कर देते हैं तीसरा देखो अब यहां एक्सप्रेस सिंपलीफाइन एक्सप्रेस एंड यूल्यू द एज डायरेक्टली मतलब यहां पे मैं कह रहा हूँ बस आप x की वैल्यू वन पुट करके आप अपना आंसर मैच करिए अब जैसे ये क्वेश्चन बड़ा सिंप्लीफाइड है x की जगह वन पुट करना है वन माइनस थ्री माइनस टू माइनस टू से वन मल्टीप्लाई कहते होगा माइनस टू लेकिन वही जब मैं पे क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लेक्स करना शुरू कर दूंगा ये देखिए कॉम्प्लेक्स करना शुरू कर दूंगा तो हम वैल्यू को पुट करने में गलती कर देते हैं अब इसकी वजह से हमारा कौन सा चैप्टर खराब होता है रिलेशन एंड फंक्शन कॉम्पोजिट फंक्शन जी ओ एफ एफ ओ जी अब मैं वहां पे समझा रहा हूं हाँ सर समझ में आ गया लेकिन आंसर निकालने में गलती कर रहे हो क्यों क्योंकि आप अब उन दिनों पर यदि कह रहा हूं आपको जितने भी अल्जबरा बेस्ड चैप्टर है वहां पर हम ये गलतियां करना शुरू करते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप इन क्वेश्चन को देख के डर जाते हो एक्स अपॉन थ्री है प्लस एक्स अपॉन टू है तो में यदि आपसे एलसीएम पूछूंगा तो आप सब लोग एक बार में सिक्स कह दोगे क्योंकि आपको पता है जब दो रहते हैं तो नीचे का मल्टीप्लाई कर दे और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में खेल ले। लेकिन वही जब यहां पर तो क्या लूं तो आपको पता है वेरिएबल है दिमाग नहीं लग रहा तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई में आप खेल लोगे थोड़ा बहुत खेल जाते हो लेकिन दोस्तों जैसे ही यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आ गया मान लो किसी कारणवश कहीं पे हम ऐसे सिचुएशन पहुंच गए इस तरह की सिचुएशन में पहुंच गए तो यहाँ पे गलती करना शुरू करते हैं ठीक है मैं अब आप सोच रहे होगे सर ये तो कोई चैप्टर है ही नहीं बेसिक्स नाम का तो कोई चैप्टर इंस्टीट्यूट ने ही नहीं डाला और इंस्टीट्यूट कहती है कि भैया तू तो रेशियो प्रपोर्शन एंडाइसिस कर ले तेरा बेसिक अच्छा हो जाएगा लेकिन फैक्ट ये है कि रेशियो प्रपोर्शन एंडाइसिस में ऐसा कोई बेसिक नहीं है जो आपको एल्जाबरा में आप सपोर्ट करता हो जैसे अब आप आ, 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 मैं ये सारी बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब आपके पास हर एक चैप्टर का ओवरव्यू तो है क्रॉस तो कर चुके अपन हर चैप्टर को आज आप लोग मेरी इस बात से सहमत हो गए मेरे हर वक्त डे वन में हर बैच टू बैच डिफर करता है शायद तो मैं आज कोई दूसरे बैच में होता तो मैं कहता डोंट वरी हम इसको डेवलप करेंगे आपको इसका काम पड़ेगा बट आज मैं आपको इसलिए बात कहना चाहता हूँ ताकि आप लोग बात समझो हाँ हमें इस पर काम करना है तो बहुत सही टाइम पर पहले ही काम कर लेंगे ताकि जब चैप्टर्स का वक्त आएगा अल्जबरा का तो वहाँ पर जब हम अपने आप अप सही आंसर निकालेंगे तो ही कॉन्फिडेंस रहेगा यदि वहाँ पर हमारे आंसर्स गलत आ रहे हैं बाकी लोगों के सही आ रहे हैं तो हम कॉन्फिडेंस लूज़ करना शुरू करते हैं वहाँ पर मैथ्स से अब दोस्तों मैं चाहता हूँ क्या इन बेसिक इस पर एक अच्छी खासी क्लास ड्राफ्ट करें अपन आपको लगता है करना चाहिए अपन को हाँ हम मंडे टू सैटरडे छोड़ के क्या संडे और इस बेसिक्स पे निकाले अपन ठीक है अब इन बेसिक्स में आपका रेशियो आपका कभी भी बेसिक्स डेवलप नहीं करता फाउंडेशन के के मैथ्स लिए प्लीज अरे हाँ तो ऐसा कर, आप आ जाकर स्कूल नहीं आ जाओ ठीक है सीए फाउंडेशन के लिए हमारा कोई भी बेसिक्स ऑफ द मैथ्स इंस्टीट्यूट ने डिजाइन नहीं किया वो कहती भाई तू रेशियो प्रपोर्शन से शुरुआत कर तू रेशियो प्रपोर्सन इंडा से शुरुआत कर तेरे को एक ये जज हो जाएगा कि चैप्टर का धीरे स्लोली वो ऐड कर रहे हैं अब क्या है आप बैक टू बैक के चैप्टर पढ़ रहे हो बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक गलतियां करे जा रहे हो बेसिक सी, गलतियां करे जा रहे हो करे जा रहे जा हो आपने फर्स्ट पांच चैप्टर में अपने पूरे कॉन्फिडेंस को क्या कर दिया जीरो कर दिया और अब आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी आप बोलते हो बड़ा इंपॉर्टेंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है लेकिन तुम वो चार चैप्टर में इतनी गलतियां कर चुके हो कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में तुम ऑटोमेटिक एक अंडर कॉन्फिडेंट होना शुरू हो जाते हो मैथ्स में और ये प्रोसेस चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है चलता ही रहता है ये ठीक है फिर स्टार्टस सिक्स में एम सी टी एमओडी आता है तब तुमको लगता है चलो फार्मूला बेस्ड है फॉर्मूला याद करूंगा परफॉर्म कर जाऊंगा और जैसे ही रेग्रेशन आता है तब ये कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है कब कौन सा फॉर्मूला लगा ये दिमाग में फॉर्मूला ही हिट नहीं कर रहा हाँ फॉर्मूला तो लगाना है लेकिन वो हिट कब कर रहा है सोल्यूशन देखिए हाँ, हाँ ये फॉर्मूला लगाना था ठीक ठीक अब मैं कर लूंगा और हर क्वेश्चन आप इसी अप्रोच से कर रहे हो कि आप पहले फॉर्मूला आप देख लेते हो थोड़ा सा सोल्यूशन में हाँ हाँ अब मैं लगा लूंगा क्या ऐसा ऐसा क्लिक करके कोई मतलब है क्या भाई इसको अपन मैथ्स को सॉल्व करना इस तरीके से ये पैटर्न है ही गलत ये पैटर्न ही पूरी तरीके से गलत है आपका चलिए दोस्तों मैं चाह रहा हूँ अभी मैं आपको स्टार्टिंग के तीन दिन मैं आपको कुछ चैप्टर्स के नाम कहता हूँ आप मेरे इस ये मेरे पूरे बात करने का कारण ये है कि जिन चैप्टर्स को मैं पढ़ाने वाला हूँ उसमें आप चाहे कितना ही आपका बेसिक्स खराब हो चाहे आपको मैथामेटिक्स उर्दू की तरह लगता हो अब एक मैं जेनविन केस बताता हूँ प्रॉब्लम बताता हूँ ये प्रॉब्लम से बहुत लोग बहुत लोग क्रॉस करते हैं बहुत लोग क्रॉस करते हैं टू एक्स ठीक है क्या कहा मैंने टू एक्स अब सर टू सॉरी टू इं एक्स टू एक्स टू एक्स मतलब बहुत सारे ये भी सब कुछ टू एक्स ही है ये टू की पावर एक्स है लेकिन कई बार रीड करने में हम एक टू एक्स को लिखने तक हमारे हाथ कांपते हैं कि मतलब कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं मैथ्स में जिसको लिखते लिखते ही हम अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं मैं सही तो लिख रहा हूँ ना मैं ब्रैकेट ओपन सही तो कर रहा हूँ वेरिएबल्स के वक्त हम बहुत ज़्यादा बेसिक्स की गलतियाँ करते हैं और मैं आपको कह रहा हूँ रेशियो प्रपोशन इंडाइसिस जैसा चैप्टर आपका बेसिक्स बिल्ट नहीं करता और मैं मेरा मानना ये है हम ये भी कंक्लूड करेंगे सर हमारी ज़्यादा सोचने की ताकत बड़े बड़े चैप्टर में ना लग के रेशियो प्रपोर्शन इन डाइसिस इक्वेशन जैसे चैप्टर में ज़्यादा लग रही है आप समझ रहे हो मतलब मेरा मानना है रेशियो प्रपोर्शन डाइसिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसे बेसिक चैप्टर बिल्कुल ट्रीट ना करें मतलब शायद मुझे पिछली बार रेशियो प्रपोर्शन को पढ़ाने में छः लेक्चर लग गए थे और टाइम वैल्यू ऑफ मनी में नौ तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में नौ लेक्चर जब इतना बड़ा चैप्टर है जस्टिफाइड था पर रेशियो प्रमोशन इतना छोटा चैप्टर उसमें छह लेक्चर दो दो घंटे के मतलब बारह तेरह घंटे हाँ इस बार किस्मत अच्छी थी वो डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट पूछ लिया उठा के देखो 2015 से लेके 2021 तक का पेपर उठा के देखो नहीं है क्वेश्चंस है ही नहीं ये डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट पांच क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन आपका कैसे जाकर चल भाई तेरे को मोटिवेट करता हूँ चार क्वेश्चन में ऐसी तैसी कर दूंगा तेरी है ना यही तो है चलो तो दोस्तों मैं ये चाह रहा हूँ अभी मैं आज मैं बेसिक्स का कोई चैप्टर शुरू नहीं कर रहा ये बेसिक्स यू मस्ट नो अब छोटी मोटी बातें हैं अब मैंने इसका नाम ही नहीं दिया है बेसिक्स मैथामेटिकल टूल चैप्टर का नाम जीरो है मतलब ये आपका बुक में आपको जो क्वेश्चन बैंक बुक मिलेगी चैप्टर वन आपका रेशियो प्रपोर्शन होगा पर उसके पहले आपको मिल रहा होगा ये वाला चैप्टर बेसिक्स सही कह रहा हूँ मिल गया अब दोस्तों मैं चाहता हूँ आप लोग एक बार रेशियो प्रपोर्शन इंडाइसिस के बाद एक चैप्टर है अपने क्वेश्चन बैंक बुक में आइए आप लोग अपने क्वेश्चन बैंक बुक में आइए

Institute कहती है भैया रेशियो प्रपोशन एंडाइसिस करने के बाद ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए पर जो क्वेश्चन अभी आप अपनी किताब में देख रहे हो क्या उसका रेशियो प्रपोशन एंडाइसिस को लेना देना है क्या नहीं क्या इंस्टीट्यूट ऐसे क्वेश्चन को बॉम्ब की तरफ प्लांट करती है पेपर में हाँ अब दोस्तों इसका नाम मिसलिनियस क्वेश्चन बैंक इसीलिए है ये भी आपका एक बेसिक्स का ही पार्ट माना जाएगा जहां पे हम कैलकुलेटर्स में अंडर रूट वगैरह को कैसे डील करते हैं अपन इसको पहले ही समझ लेंगे रूम गर्म हो रहा है क्या थोड़ा सा ठंडे की जगह है ना उल्लू बना के चला गया ये देखते हैं टेम्परेचर किया है दो मिनट में नहीं होगा तो चेंज करते हैं ठीक है थीके? दोस्तों ये पॉइंट क्लियर है तो हम लोग बेसिक्स का क्लास रखें मैं आप लोगों को इसलिए सब बातें कह रहा हूँ क्योंकि बेसिक्स वर्ड कहूंगा तो आप लोगों को लगेगा छुट्टी कर लेता हूँ बेसिक्स की तो मेरे को जरूरत नहीं है क्या इस फ्राइडे या सैटरडे क्या बेसिक्स की क्लास रखें प्रॉपर ड्राफ्ट करें अपन तो अब इसका टाइम कब आएगा हमारे तीन बड़े चैप्टर होने के बाद जब पहला अलजबरा का चैप्टर शुरू करेंगे और पहला इल्जबरा का चैप्टर हमारा रहेगा लॉगरिदम ना रेशियो ना प्रोपोर्शन ना डेसेस उसके पहले हम इस पर अपना छा अच्छा कमांड स्टैब्लिश करेंगे चलिए दोस्तों अपना इस महीने का पूरा एक टाइम टेबल फोरकास्ट करते हैं अपन क्या बनाने वाले है? लिखो सबसे पहले आज दोस्तों हम शुरू करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी दोस्तों सबसे पहले आज शुरुआत क्या होने वाली हमारी टाइम वैल्यू ऑफ मनी टाइम वैल्यू ऑफ मनी आप लोग चाहो तो मैं इस सीक्वेंस पे अपन काम कर सकते हैं मैं चाहता हूं आप लोगों को पूरा अच्छी तरीके से इन्वॉल्वमेंट रहे ठीक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मेरे लोग लगता है जो अच्छा आता है वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन सेकंड चैप्टर अपन जाते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोस्तों तीसरा चैप्टर हम जाएंगे सीक्वेंस एंड सीरीज तीसरा चैप्टर हम जाएंगे सीक्वेंस एंड सीरीज सीक्वेंस एंड सीरीज ठीक है अब ये तीन चैप्टर ऐसे चैप्टर हैं यदि आपने आपका इसमें अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ गया और आप अच्छे खासे महारथी वाले क्वेश्चन करने लगे जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज में एपी जी पी पूरी दुनिया पढ़ के जा रही है एपी जीपी से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं फोर प्लस फोर्टी फोर प्लस फोर 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 इफ पी टर्म इज क्यू क्यू टर्म इज पी पी प्लस क्यू टर्म बता दे इफ एंड टर्म के रेशियो ये है तो सम का रेशियो बता दे ऐसे क्वेश्चन जिसका एपी जी पी से कोई वास्ता नहीं है इंस्टीट्यूट कहती कर ले और तुम वहाँ पे लगा रहे हो एंड टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कोई काम है क्या उसका नहीं तो दोस्तों जब आप ऐसे क्वेश्चन उड़ाना शुरू कर दोगे तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस एकदम जबरदस्त लेवल पर रहेगा बाप तीन बड़े चैप्टर उसके महारथी क्वेश्चन हम अच्छे से क्रैक कर रहे हो तुम्हारे अंदर एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस है और इसके बाद आएगा हमारा एल जबरा का पहला चैप्टर लॉगरेडम लिखो लॉगारेदम के बाद दोस्तों हम लोग लेने वाले हैं इक्वेशंस इक्वेशन से आपका एक मैं इक्वेशंस को मैं एक बेसिक्स का चैप्टर का नाम देता हूं पर रेशियो प्रपोशन एक बेसिक आपको बिल्कुल बिल्ट नहीं करता पर हाँ इक्वेशन चैप्टर का बहुत अच्छा बेसिक बिल्ट करता है क्योंकि वहाँ पे आपको जो ये माइनस बी बाई ये ब्रैकेट ओपन करना आपको वेरिएबल्स में खेलना अच्छा खासा प्रैक्टिस करवाता है ये चैप्टर इक्वेशन करने में तो बहुत अच्छा खासा कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाएगा इसके बाद दोस्तों वापस एक प्रैक्टिकल चैप्टर पर आएंगे वो रहेगा रिलेशन एंड फंक्शन लेकिन सेट रिलेशंस एंड फंक्शन इस चैप्टर में इस बार का वादा है इसको स्टार लगा दो इससे इस बार तीन क्वेश्चन आएंगे बैक टू बैक आपको मैं क्वेश्चन का प्रोडिक्शन बता देता हूँ इस बार दो क्वेश्चन रहेंगे डोमेन और रेंज पे और एक क्वेश्चन रहेगा आपका टाइप्स ऑफ फंक्शन पे हंड्रेड परसेंट दो हजार इक्कीस से इंस्टीट्यूट ने जो डोमेन और रेंज पर क्वेश्चन पूछे हैं जबरदस्त लेवल पे पूछे हैं शानदार लेवल पूछे हैं और हम डोमेन और रेंज के बारे में कितना जान के जाते हैं डोमेन का मतलब होता है एक्स रेंज का मतलब होता है वाई इंस्टीट्यूट कहती है भैया ये सब छोड़ ये बता वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर वॉट इज डोमेन और आप कहते हो डोमेन मतलब तो कुछ एक्स एक्सपेक्ट्स होता था ये क्या है ठीक है और ऐसे क्वेश्चंस पे हम लोग को चाहिए जबरदस्त लेवल डोमेन और रेंज पर 2021 में उन्होंने जो डोमेन और रेंज का क्वेश्चन पूछा वो दोस्तों किसी भी लेवल पे किसी भी लेवल पे जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में जो क्वेश्चन है वहां से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है वो सवाल नॉट एट ऑल वो क्वेश्चन जस्टिफाइड भी नहीं मानता था मोस्ट टाइम तक ठीक है बट जो आ रहा है उस पर अपन अच्छा खासा कमांड स्टैब्लिश करेंगे डोमेन और रेंज पर इस बार क्वेश्चन का प्रोडिक्शन मैं कह रहा हूँ डोमेन इस बार उन्होंने सेट पर इतने आसान सवाल पूछे आने वाले दिनों में कभी नहीं आ गया रिलेशन और फंक्शन में बहुत शानदार क्वेश्चन आएंगे जो अच्छे अच्छों का डी क्रिएट करेंगे और रे क्या आ गया पेपर में और तुम जब उस क्वेश्चन को क्रैक कर जाओगे माइनस टू से लेकर इन्फिनिटी और फोर से लेकर फाइव बस एक्सेप्ट माइनस वन जब ऐसे बड़े बड़े आंसर आप निकाल लोगे पेपर में आपको कॉन्फिडेंस आगे बढ़ता रहेगा दोस्तों कितना आ गया कितने चैप्टर हो गया छह चैप्टर हो गए अब सातवां चैप्टर ले लेते हैं हम रेशियो प्रपोर्शन एंड इंडाइसेस रेशियो प्रपोर्शन एंड एंडाइसिस दोस्तों इसके बाद ले लेंगे हम लोग इन एक छोटा सा चैप्टर एक दिन का है दो घंटे में चैप्टर खत्म होगा इन इक्वालिटीज के पास दोस्तों दोस्तों आएगा डेरिवेशन एंड इंटीग्रेशन और इस बार इस चैप्टर को किसी ने भी कहा जूनियर ने कहा सीनियर ने कहा दोस्त ने कहा किसी ने भी कहा जो पास हो गया है वो कह रहा है छोड़ के जा तू फिर भी पास हो जाएगा तो बोलना भाई तू अपना ज्ञान अपने पास रख डेरिवेशन एंड इंटीग्रेशन धुआंधार तरीके से करके जाओ जो क्वेश्चन आएगा तो अपने किताब से ही आएगा डेरिवेशन और इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें एक आप लिमिटेड सोर्स के भी क्वेश्चन करके जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है मैं कहता हूं टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आपको नए क्वेश्चंस की भूख होना चाहिए परम्यूटेशन में आपको नए क्वेश्चंस की भूख होना चाहिए कि कुछ मैं रोज नया नया क्वेश्चन करूंगा पर मैं डेरिवेशन में कहता हूं ये डेढ़ सौ क्वेश्चन है तो रैंडमली कोई भी जब भी रिवीजन करेगा तो रैंडमली पचास दस पंद्रह बीस क्वेश्चन करते चले जा नए क्वेश्चन की भूख नहीं भी है तो भी चलेगा पर आपको इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस रहेगा जो कमांड आप रेशियो प्रोपोर्शन इंडा में आप कहते हो कि मुझे अच्छा लगता है आसान लगता है डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट उसीवेल पर ला के इस चैप्टर को रखेंगे डेरिवेशन और इंटीग्रेशन को पर आपको छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है मैं आपको ये भी कहता हूं इंटीग्रेशन जैसा चैप्टर मात्र तीन ही लेक्चर में खत्म होगा वो चैप्टर बड़ा बिल्कुल भी नहीं है डेरिवेशन जैसा चैप्टर का पांच पांच लेक्चर लगेंगे पांच दिन नहीं कह रहा पांच लेक्चर लगेंगे ले ठीक है पर आपका वो चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा अलॉन्ग विदी क्वेश्चन आपको उसमें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों इसके बाद यदि कुछ छोटे मोटे चैप्टर जाएंगे तो करेंगे आपको समझ में आ रहा है पहले अपने पूरे अच्छे खासे लॉजिकल चैप्टर लेने वाले हैं फिर बेसिक्स आ रहा है अलजबरा आ रहा है अलजबरा के बाद वापस हमारे डेरिवेशन और इंटीग्रेशन अच्छे कमांडिंग चैप्टर आ रहे हैं लेकिन ये तीन चैप्टर जो स्टार्टिंग के हैं यदि आपका इसमें अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया तो आपको बिल्कुल भी अगले चैप्टर्स में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और इस संडे आने वाला है दोस्तों बेसिक्स का क्लास इसके लिए तैयार हो संडे क्लास हर बार है ठीक है छुट्टी का पैटर्न दस दिन में एक बार सात दिन में एक बार तो नहीं अफोर्ड कर सकते अपन ठीक है तो सर तो शुरू करें टाइम वैल्यू ऑफ मनी अब कॉपी कौन सी लाओ एक बार मैथ्स के लिए आपने जो कॉपी बनाई एक बार दिखाना देखो ठीक है आज से ये समझ लो तुम्हारी तो मैथ्स की कॉपी एक रफ कॉपी की तरह है, है ना मैं जब भी मैं तुम्हें क्वेश्चन ट्राई करने कह रहा हूँ तो क्या होता है ये जो महंगी वाली कॉपी होती है सौ रुपये वाली इसमें तो काटने में इतना दर्द होता है ऐसा कट करके होता ही नहीं है क्वेश्चन और मैथ्स के क्वेश्चन आप जितने बार मैं आपको कह रहा हूं आप ट्राई करो और यदि आप ट्राई नहीं कर रहे हो अपने कॉपी में तो समझ जाओ आप अपनी लेवल पे आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अपनी थिंकिंग एबिलिटी को रोक रहे हो और मैथ्स की कॉपी एक दिन स्क्रैप हो ही जाएगी तुमको लगेगा ये कॉपी मेरे कोई काम की नहीं है क्योंकि आपके जो काम की चीज है वो है आपके पास एक ही किताब है वो है वो कॉन्सेप्ट हैंडबुक सारे कॉन्सेप्ट वहां पर लिख रहे हैं एग्जाम्पल्स भी वहां पे हैं तो मैथ्स की कॉपी आप रफ कॉपी की तरह बनाइए सॉल्व किया और स्क्रैप्ड सॉल्व किया और स्क्रैप्ड मैं जितने बार आपको कह रहा हूँ एक बार और ट्राई कर एक बार और ट्राई कर ठीक है ना तो एक बार और ट्राई करना अब देखो जब ट्राई करने का पैटर्न कैसा रहेगा मैंने कहा एक बार आप ट्राई करो आप अपनी थिंकिंग एबिलिटी लगाते हो चल यार देखता हूँ क्या कर सकता हूँ मैं तुम मुझे पता है क्वेश्चन बहुत अच्छा है मैं कह रहा हूँ चलो थोड़ा सा हिंट दिया इसको एक्स मान ले और आगे बढ़ जा फिर ट्राई करो फिर मैं कह रहा हूँ नहीं सर अभी भी नहीं हुआ चल एक काम कर एक्स मानने को यहाँ तक पहुँच गए तो बोलोगे हाँ सर यहाँ तक पहुँच गए चल अब इसके आगे इतना कर तो दोस्तों थी धीरे 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 आपके हर क्वेश्चन में थिंकिंग एबिलिटी को मैं इंप्रूव करता चला जाऊंगा लेकिन क्वेश्चन करने का दो पैटर्न होते हैं एक पैटर्न है कि पहले क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया तुम देखते हो यहां पे क्वेश्चन को फिर मैं कहता हूं चलो सॉल्व करो क्या वहां पर आपकी कोई भी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप हो रही है क्या नहीं थिंकिंग एबिलिटी तब तैयार होती है जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया आपने क्वेश्चन खुद ट्राई किया दो आउटकम होंगे एक आपको वो क्वेश्चन बन जाएगा बन गया तो कॉन्फिडेंस का ज्वालामुखी अंदर से फटेगा अरे सवाल जो कोई नहीं कर पाया वो मैं कर गया या तो दूसरा ये होगा कि तुम ट्राई कर रहे हो तुमको पता है मैं एक पॉइंट ऑफ तक पहुंच रहा हूं उसके बाद बस मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं चार क्वेश्चन पांच क्वेश्चन तक चलेगा छठे क्वेश्चन से तुम भी क्रैक करना शुरू कर दोगे और इस चीज से दोस्तों तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा गए मैं नए क्वेश्चन से भागता नहीं मुझे वेरिएबल से डर लगता नहीं जरूरी नहीं है कि देखा हुआ क्वेश्चन आएगा तो ही बनाऊंगा मैं अरे कोई नया क्वेश्चन भी आ गया जिसकी वेरियबल्स तुमने पहली बार देखे हैं तो भी तो क्रैक कर जाएगा ठीक है दोस्तों चलिए शुरू कर रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट हैंडबुक अपने हाथों पर क्वेश्चन बैंक को भी साइड रख दो एकदम एक घंटे के लिए ठीक है लिखने का मैं सेपरेट टाइम दे दूंगा ऐसा मैं हर बार बोलता हूँ पर देना शुरू कर दूंगा धीरे से ठीक है तो जब तक मैं बोलूँ लिखना नहीं तो मत लिखना ठीक है शुरू करते हैं दोस्तों आइए शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी जिसका वेट है दस से बारह मार्क्स इस चैप्टर को करने के हम अगेन हमारे पास दो तरीके हैं पहला तरीका तो ये है कि इस चैप्टर को मैं आपको फॉर्मूले के साथ लेके चलूँ जो कि पिछली बार मैंने नहीं कराया था बट आपको लगता है तो इस बार मैंने लास्ट में फॉर्मूला भी ऐड कर दिया है मैं आपको कुछ क्वेश्चन फॉर्मूले से करवा दूंगा ताकि आपको लगता है कि नहीं मुझे फॉर्मूला चाहिए तो आप लगा सकते हो ठीक है दूसरा दोस्तों हम इस चैप्टर को पूरा का पूरा एंटायर कैलकुलेटर में करके चलें पूरा का पूरा कैलकुलेटर में लेके चलें चैप्टर को ठीक है आप यदि स्टार्टिंग के पाँच मिनट के अंदर आप बारह से तेरह क्वेश्चन अपने एग्जाम में क्रैक कर जाते हो तो समझ जाओ दोस्तों आप पेपर में आपका कॉन्फिडेंस पहले ही हाई हो जाएगा और सबसे अच्छी बात है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्वेश्चन को पूरा बैक टू बैक रखते हैं प्लांट करते हैं भाई ले ले तू दस नंबर इकट्ठे लेके जा ना जगह देते हैं सॉल्व करने के लिए अब लास्ट का एक रफ पेज है एक रफ पेज उसी में मिटा रहे उसी में लिख रहे हैं उसी में मिटा रहे उसमें लिख रहे, रहे। पॉसिबल है क्या नहीं अब मन में यह आता है सर हम यदि क्या ट्रिक से क्या सारे क्वेश्चन कर सकते हैं मैं कहता हूं आप सारे क्वेश्चन ट्रिक से कर सकते हो जो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो

तो ये आपके पास सिर्फ टूल का काम करने वाला कि यार मैं फॉर्मुले में पुट करके कैलकुलेशन ना करके मैं यार कैलकुलेशन इसमें डायरेक्ट कर लेता हूं लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कैलकुलेटर ट्रिक आ गई हाथ में तो आपको लॉजिक गया सब तेल लेना ऐसा बिल्कुल भी बिल्कुल भी नहीं है नॉट एट ऑल बिल्कुल ही नहीं है ऐसा ठीक है सो इट्स जस्ट अ टूल दोस्तों और यदि आपको लगता है कि नहीं सब मुझे फॉर्मुले से भी करना है सो वी आर अवेलेबल हम उसको भी करके चलेंगे बट ट्रस्ट मी आप एक चीज को फॉलो करो दैट इज कैलकुलेटर दोस्तों यदि हम फॉर्मुले से जाते हैं तो एक क्वेश्चन मिनिमम तीन से चार मिनट या पांच मिनट अपन को देना पड़ेगा ट्रिक से जाते हैं या तो तीस सेकेंड तू देगा और आ जाएगा। या तो सोच क्या हो? में क्या लगता है यार मैं सब सही कर रहा मुझे लगता है मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया तो बार 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 आप उसी घिसी पीटे कैलकुलेशन को चेक करते रहते हो वो पावर नीचे ऊपर लेके या तो सही किया था क्या कैलकुलेशन सही किया था क्या अरे हो गया तूने सही किया था या तूने लॉजिकली गलत लगा के जा रहा है अब आगे नहीं बढ़ पा रहे हो ठीक है अपन ट्रिक्स आगे बढ़ेंगे पूरे चैप्टर को लेकर के ठीक है वही सफ़ेदी वही झाग कम दामों में मिले ठीक है चलिए शुरू करने जा रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी दोस्तों इस चैप्टर को हमने दो फेज में बांटा है फेज़ वन है जहां पर बहुत ही ईजी चीज़ें आएंगी दैट इज़ सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट इफेक्टिव रेट एंड डेप्रिसिएशन फेज़ टू में दोस्तों आप देखेंगे यहां पे आपको दो चीज़ें मिलेंगी हर चैप्टर के स्टार्टिंग में चैप्टर का बैकग्राउंड है बैकग्राउंड आपको यह हेल्प करेगा जानने के लिए कि मुझे इतना ही पढ़ना है और ढंग से पढ़ के जाना है। इसके अलावा एक भी पॉइंट मुझे बाहर देखने की जरूरत नहीं है ठीक है दूसरा एनविटी में ऑर्डिनरी एनविटी और एनविटी ड्यू दोस्तों इसमें हमें दो चीजें कवर अप करनी है पहला है प्रेजेंट वैल्यू और दूसरा है फ्यूचर वैल्यू अब दोस्तों एनविटी के बाद इंस्टीट्यूट ने 2019 में ऐड किया नया कॉन्सेप्ट पहले इस चैप्टर का नाम हुआ करता था सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एनविटी दो तक 2018 के बाद इंस्टीट्यूट ने एक चेंज लाया और इसको नाम दिया टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो प्रपोज स्कीम है नया सिलेबस है, है उसमें फिर से इस चैप्टर का नाम चेंज हुआ है और और एडिशन हुआ है इसमें एप्लीकेशंस में और उस जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बाद उन्होंने इंट्रोड्यूस किया नया कॉन्सेप्ट दैट इज एप्लीकेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज भी सीख करके आइए और उसमें सबसे पहला आ रहा है आपका एनपीवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट लीजिंग कॉन्सेप्ट एंड वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड दस में से तीन क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन के मिलेंगे या तो एनपीवी पर मिलेगा या तो आपको वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड पे मिलेगा या तो लीजिंग पर मिलेगा पर इसमें से डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इसके बाद दोस्तों कुछ थ्योरी कॉन्सेप्ट ऐड किए रिटर्न्स पे सर सर, प्लीज बेस्ट

आप रिविजन कैसे करोगे आपसे बैकग्राउंड खोलोगे आप सिंपल इंटरेस्ट देखते हो आप सिंपल इंटरेस्ट के बारे में सारी बातें बोलते हो आप कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हो आप कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में सारी बातें बोलते हो यदि आपको लगता है मैं कुछ नहीं भूल रहा बैकग्राउंड देख के आपको सब कुछ याद है तो समझ जाइए आप आगे बढ़ सकते हैं आपको पन्ने पलटने की जरूरत नहीं है दोस्तों आज फर्स्ट डे इसलिए आपको थोड़ा सा सब, सब, सब्जेक्ट से आपको पैटर्न से मैं कंफर्टेबल कर रहा हूँ कल से हम लोग सीधे सीधे फटाफट कॉन्सेप्ट आगे बढ़ जाएंगे ठीक है अब आपको यहाँ पे जो चीज़ लिखनी है इस किताब में लिखने का एक नियम है पूछो क्या पूछो तो सही अच्छे से पूछो आपको इसमें तभी लिखना है जब आपको वो चीज समझ में आ चुकी है मैंने लिख दिया इसका मतलब यह नहीं कि आप बस कॉपी पेस्ट कर लो आपको लग रहा ना कि मेरा ध्यान भी नहीं था इसलिए नहीं समझ पाया आपको तो पता है आपका ध्यान नहीं था ठीक है आपको ऐसा लग रहा कि नहीं मैंने पूरे एफर्ट्स डाले फिर भी मुझे समझ में नहीं आया तो लिखो ही मत लिखो ही मत एक काम करता हूँ मैं क्लास के बाद मुझे नहीं समझ में आया क्योंकि इस किताब में ये किताब किसी भी लेवल से कोई भी चीज इंस्पायर्ड नहीं है ये वो किताब है जो मैंने अपनी टीचिंग में आठ साल दस साल में डेवलप किया मैंने उसको इस किताब में बनाने में लगा दिया पूरा का पूरा हर एक बॉक्स हर एक शब्द मेरे खुद के ड्राफ्ट किए के गए हैं जो आपको शायद किताब से इंस्पायर्ड भी नहीं मिलेंगे लेकिन आप जब हम जैसे नोट्स बनाएंगे तो हिंदी इंग्लिश मिक्स करके जो हमें समझ में आया वो पूरा लिख देते हैं इस किताब के अंदर अब होगा क्या इससे जब आप रिविज़न कर रहे हो तो रिविज़न करते वक्त दो रिक्वायरमेंट आती है पहली रिक्वायरमेंट ये आ जाती है कि सर मुझे लग रहा है कि मुझे ना एक बार पूरा लेक्चर दोबारा देख लेना चाहिए ऐसा तुम्हें क्यों लग रहा है क्योंकि बहुत लंबा लंबा गैप हो जाता है और जब रिलेशन फंक्शन पहुंचेंगे तो इस चैप्टर को तो एक महीना हो चुका है तुझे लग रहा है अरे यार मैं तो पूरा भूल गया हूँ लेकिन जब तुम पन्ने पलटोगे और तुम्हें पूरी अपनी बातों में अपनी लैंग्वेज जब चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी तो आप जब उसको रीड करते जाओगे आपको पूरा लेक्चर इनफैक्ट ये भी याद आएगा उस दिन मैंने ब्लू कलर की शर्ट पहनी थी ठीक है ऐसा भी होगा अपने आप होगा ऑटोमेटिक होगा क्योंकि आप अपने लैंग्वेज सब कुछ चीज़ों को लिखते चले जा रहे हो और आपको ऐसा लगे कि मेरा लेक्चर रिवाइज हो गया मैं ही पैनिक कर रहा था कि मैं इतना भाग रहा था चैप्टर को रिवाइज करने से पर जब अपने लैंग्वेज हम चीज़ों को लिखते हैं तो बहुत लंबे समय तक वो चीज़ रिटेन रहती है ठीक है और हमारी कोशिश ये रहेगी कि, कि मंडे टू संडे ही हम क्लास रखेंगे नए कॉन्सेप्ट के लिए और संडे टू संडे एक बार कोर्स अच्छे लेवल पर अचीव जब हो जाएगा मतलब मैं कह रहा हूँ पंद्रह मार्च के बाद मैं कह रहा हूँ आज से एक महीने के बाद शायद संडे टू संडे हम लोग रिविजन लेवल पर लेकर के आ जाएंगे संडे को ठीक है तब उस कॉन्सेप्ट हैंडबुक में आपकी भी भरी हुई कॉन्सेप्ट हैंडबुक है मेरे पास भी कॉन्सेप्ट भरी हुई है तो हम लोग क्या करेंगे इसे पन्ने पलटेंगे और क्वेश्चन पर अपना टाइम डिवोट करेंगे चलिए दोस्तों शुरुआत करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट सबसे लास्ट में आता है हर बार की तरह क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमें लगता है आसान प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सिंपल इंटरेस्ट में जो दस क्वेश्चन मॉड्यूल में दिए हैं वो क्वेश्चन आपको कभी जीवन काल में देखने को नहीं मिलेंगे जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको क्वेश्चन बैंक बुक में आपको ग्यारह नंबर से लेकर उन्तीस नंबर तक सवाल दिख रहे होंगे क्वेश्चन बैंक बुक में रहने दो नहीं है तो क्वेश्चन बुक वहां से जो सवाल उन सवाल का जो लेवल है वो बहुत जबरदस्त है और उसके लिए हमें समय चाहिए शुरुआत करेंगे आज कंपाउंड इंटरेस्ट से चलिए दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर ध्यान देना मुझे बताइए आज मैंने बैंक में यहाँ पे दोस्तों सौ सौ रुपये डाले बैंक मुझे दस परसेंट से ब्याज देता है कितने परसेंट से दस, दस परसेंट से एक साल खत्म होता है एक साल खत्म होता है मेरे को कितना ब्याज मिलेगा दस रुपये सौ पे दस परसेंट निकाला आप लोगों ने दस रुपये मुझे बताइए मेरा बैंक बैलेंस कितना हो गया 110 तो सर सौ रुपए था दस रुपये का ब्याज कमा लिया आपने कितना हो गया 110 दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट है अब मुझे बताइए अगला ब्याज मुझे सौ रुपए पर मिलेगा कि 110 पर मिलेगा 110 पे 10 परसेंट निकाला कितना हो रहा है ग्यारह रुपए मतलब अगला ब्याज आपको इस पर मिला और आपका हो गया ग्यारह रुपए का ब्याज अब मुझे बताइए आपका बैंक बैलेंस कितना हो गया एक सौ दस प्लस ग्यारह एक सौ इक्कीस वन ट्वेंटी वन मुझे बताइए अगला ब्याज किस पे मिलेगा सौ पे एक सौ दस पे की एक सौ इक्कीस पे कितना ट्वेल्व पॉइंट वन लिख दू मुझे बताइए अब आपका अमाउंट कितना बैंक बैलेंस कितना वन थर्टी थ्री पॉइंट वन अगला ब्याज किस पे वन थर्टी थ्री पॉइंट वन पे कितना थर्टीन पॉइंट थ्री वन कितना हो जाएगा करो वन थर्टी थ्री पॉइंट वन प्लस वन फोर्टी सिक्स पॉइंट फोर वन अगला ब्याज किस पे 133 पे कि 146.41 पे 46. कितना 14.641 पॉइंट आखिरी अमाउंट कितना हो गया आपका बैंक बैलेंस 160 सिक्सटी जीरो फाइव आ रहा है क्या जीरो फाइव है वन फोर्टी सिक्स पॉइंट फोर वन प्लस दस परसेंट कितना वन सिक्सटी वन पॉइंट जीरो फाइव वन ठीक है चलिए दोस्तों मुझे एक बात बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हुआ आपको आपका ब्याज आपके इनिशियल डिपॉजिट में जो शब्द कह रहा हूं उस पर ध्यान देना है प्रिंसिपल अमाउंट इस फालतू की बातें छोड़ो जब बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं ये सब डीकोड करने के लिए बिल्कुल हेल्प नहीं करते ना वो प्रिंसिपल वर्ड लिख के देगा आपको ना वो आपका अमाउंट वर्ड लिख के देगा ये तेरी क्षमता है भाई तो उसको इवैल्युएट कर डी कर वहीं से हमारी शुरू होती है हमारी टर्मिनोलॉजी की क्लैरिटी सुनना आपने स्टार्टिंग में कितना रुपए डाला सौ रुपए आपको ब्याज किस पर मिलता है आपके इनिशियल डिपॉजिट पर मिलता है कि आपको आपके, आपको आपके आपके आपका ब्याज लास्ट बैंक बैलेंस मिलता है वर्ड का हो लास्ट बैंक बैलेंस जब मैं इस डेट पे खड़ा था तो मेरा लास्ट बैंक बैलेंस क्या था 110 सौ दस यहां पर लास्ट बैंक बैलेंस मेरा क्या था एक सौ इक्कीस यहां पर बैंक बैलेंस क्या था वन थर्टी थ्री दोस्तों मैं क्या यह कह सकता हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में मुझे मेरा ब्याज मुझे हमेशा मेरे लास्ट बैंक बैलेंस में मिलता है एक बार हम सिंपल इंटरेस्ट पर आते हैं सिंपल इंटरेस्ट की सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं सिर्फ डेफिनेशन क्लियर कर रहे हैं अपन कॉन्सेप्ट शॉर्टकट बाद में आएंगे इसके आज मैंने दोस्तों यहां पर सौ डाले दस के हिसाब से सौ रुपए डाले दस परसेंट के हिसाब से मुझे बताइए एक साल के बाद मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा दस रुपये मुझे बताओ मेरा बैंक बैलेंस कितना हो गया अरे दस रुपए इंटरेस्ट मिला एक सौ दस ठीक है अब मुझे बताइए आपको अगला ब्याज किस पे मिलेगा सौ पे एक सौ दस पे सौ पे मिलेगा मतलब सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है हमें हमारा ब्याज हमेशा हमारी इनिशियल डिपॉजिट पे मिलता है और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है दोस्तों नहीं कुछ चीजें ऐसी बेस्ट टू तो बैस चेंज कर रहा हूं आपको छह साल तक ब्याज अमाउंट कंपाउंडली मंथली मिलता है फिर ईयरली हो जाता है इस टाइम पे टाइम ऑफ पीरियड पे हम गलती करते हैं आपको एक ही चीज याद रखना है पे नहीं मिलता, किसे मिलता? किसे ये point clear है? मुझे बताइए, मेरा सौ पे, पे मिलेगा हमेशा 10, 10, 10 और 10. ये 120, 130, 140 और सिंपल इंटरेस्ट की बात करो तो जब भी हमें हमारा ब्याज इनिशियल डिपॉजिट पे मिलता है सिंपल इंटरेस्ट और जब भी आपको आपका ब्याज आपके लास्ट बैंक बैलेंस मिल रहा है, ये है, दोस्तों। ये है आज मैंने बैंक से लोन लिया है पांच लाख रुपए का ठीक है बैंक मुझे दस परसेंट से ब्याज देती है दस परसेंट से ब्याज देती है। मुझे बताओ आपको आपका इंटरेस्ट ये जरूरी है क्या कि आप हमेशा बैंक से अपना ब्याज

Yearly. मतलब आप अपना इंटरेस्ट कैसा मांग रहे हो एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट इज पेड हाफ ईयरली मतलब आप अपना ब्याज कैसे मांग रहे हो बैंक मतलब से हर छह महीने में मेरा बैंक में इंटरेस्ट आ जाना चाहिए क्वार्टरली इंटरेस्ट इज पेड क्वार्टरली आप बैंक को क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हो मेरा इंटरेस्ट मेरे बैंक में हर तीन महीने में क्रेडिट हो जाना चाहिए समझ समझा क्वेश्चन में वर्ड्स होते हैं ना वेन द इंटरेस्ट इज पेड हाफ ईयरली इसका मतलब आप अपना ब्याज हाफ ईयरली मांग रहे हैं यदि क्वेश्चन साइलेंट है क्वेश्चन ही कह ही नहीं रहा कि आप इंटरेस्ट कैसे मांगते हो तो ये एक अजम्पन है कि इंटरेस्ट इज पेड ईयरली ये पॉइंट क्लियर है दोस्तों चलिए अब छोटी मोटी बेसिक्स की बातें करते हैं मुझे बताओ एक साल में कितने हाफ ईयर एक साल में कितने क्वार्टर एक साल में चार क्वार्टर पक्का एक क्वार्टर कितने महीने का एक क्वार्टर चार महीने का कि तीन महीने का तीन दोस्तों क्वार्टर होते हैं चार वाला नहीं हाँ एक क्वार्टर होते हैं चार, चार। एक क्वार्टर कितने महीने का फोर थ्री बारह महीने हो गए ठीक ठीक है है साल में कितने महीने मुझे दोस्तों बताइए कैलकुलेशन दो, दो चीजें होती हैं कभी कभी आपको तुरंत क्लिक कर जाता है तुरंत क्लिक कर जाता है एक साल में तो दो साल में चार अब मल्टीप्लाई करते हो लेकिन मैं चाहता हूं आप इसको एक बार विजुलाइज भी करो अपने दिमाग के अंदर एक साल में दो फिर अगले साल में दो टोटल कितने हो गए चार ठीक है एक साल में चार क्वार्टर तो दो साल में कितने क्वार्टर आठ कितने महीने चौबीस वन पॉइंट फाइव ईयर में कितने हाफ ईयर सर एक साल में दो मतलब यदि हमें कोई भी कैलकुलेशन एक पर एनम पता है मतलब एक साल एक एक यूनिट के लिए पता है तो मल्टीप्लाई कर करके निकाल लेते हैं एक साल में दो तो डेढ़ साल में कितने मल्टीप्लाई बाई टू कितना तीन लेकिन आपने जब तीन कहा तो आपने कैलकुलेशन किया 1.5 पॉइंट फाइव इंटू टू किया विजुअलाइज करो एक साल में दो हो गए और 0.5 मतलब आधा साल आधा साल मतलब कितना एक हाफ ईयर टोटल में तीन हाफ ईयर कह दूं इसे हाँ दोस्तों एक साल में चार क्वार्टर तो डेढ़ साल में कितने 1.5 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय फोर किया आप लोगों ने यूनिटरी मेथड एक में चार तो डेढ़ में कितने 1.5 पॉइंट फोर कितना आ रहा है छ अब दोस्तों एक, एक बार विजुलाइज करो एक साल में तो हो गए थे चार आधा साल था वहां पर आधे साल में कितने दो टोटल कितने हो गए छ ठीक है इसको मैं चाहता हूँ आप लोग कैलकुलेशन करिए मैं मना नहीं कर रहा आपको बिल्कुल सही है सही तरीका है लेकिन दिमाग में इमेज मेमोरी होना चाहिए हमने कैसा निकाला उसको दो तो, तो डेढ़ साल में कितने महीने एक में बारह तो डेढ़ में कितने किया होगा आप लोगों ने और आपका कैलकुलेटर छो कर रहा होगा अट्ठारह अब सब विजुलाइज करो एक साल में बारह हो गए आधा साल मतलब कितना छः महीना तो कितना हो गया बारह और छ अट्ठारह अब दोस्तों सबसे बड़ा मिथ वन पॉइंट फाइव ईयर्स इसका मतलब क्या है वन ईयर फाइव मंथ वन ईयर सिक्स मंथ देखो दोस्तों इस पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं इंस्टीट्यूट ने यहीं पे तो बाजी मारी है 1.5 और 1.6 भी देता है ऑप्शन में वो पता है और कई बार लिखता है 1.5 पॉइंट फाइव ईयर्स वन ईयर सिक्स मंथ पर आपका कैलकुलेटर में आ गया 1.5 के आसपास तो बोलते हो सर वो तो ऑप्शन तो ऐसा घुमा के दिया था अरे क्या घुमा के दिया था

मतलब यहां पे ये पॉइंट का मतलब भी ईयर होता है इसको मंथ में एज्यूम दिमाग में लाना बंद करो छोटी छोटी गलतियां हैं मैं चाहता हूं आप लोग अवॉइड करना शुरू करो डे वन से चलिए आगे बढ़ेंगे ढाई साल में कितने मैंने सॉरी ढाई साल में एक साल में दो हाफ ईयर तो ढाई साल में पाँच। कितने टू पॉइंट फाइव इंटू टू किया आप लोगों ने आपको मिल गया पाँच एक बार विजुलाइज करो एक साल में दो हो गए अगले और दो साल में दो हो गए चार हो गए और पॉइंट फाइव मतलब आधा हाफ ईयर ही मतलब कितना हो गया पांच हो गए चार और एक पांच वो 2.5 में कितने क्वार्टर है दस।, दस कितने मंथ सिक्स मंथ में कितने हाफ ईयर आराम से आराम से सही बोलना बस गलत मत बोलना सिक्स मंथ मतलब सर एक हाफ ईयर करेक्ट दोस्तों एक साल में कित, एक क्वार्टर कितने महीने का तो छ महीने में कितने क्वार्टर हो गए तीन महीने का एक क्वार्टर सर और एक और तीन महीना है टोटल तो दो क्वार्टर छह महीने में कितने मंथ छ मंथ बकवास क्वेश्चन है दोस्तों तीन महीने में कितने हाफ ईयर इस क्वेश्चन को मैं अभी ब्लैंक छोड़ता हूं तीन महीने में कितने क्वार्टर तीन महीना मतलब एक क्वार्टर तीन महीने में कितने महीने क्या बकवास क्वेश्चन है सर तीन मंथ ठीक है इस इसमें बात करेंगे अपन रुक जाऊं ये पॉइंट क्लियर है पक्का मतलब देखो मैं अब इस पेज को विजुलाइज करूं इस पेज में अब जो कंसेप्ट हैंडबुक का मतलब क्या है आपने ना फालतू चीज़ों ना ना में ना डायग्राम में टाइम वेस्ट किया गर्म हो रहा है ना दो मिनटों में बुलाता हूँ यार कुछ तो सेटिंग वेटिंग मिल गई होगी ये तो ड्राइव आई मोड में चला गया होगा इसी दो मिनट करते हैं इस पेज को पूरा व्यूजलाइज करो एक बार आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की डेफिनेशन क्लियर है सर क्या डेफिनेशन सर जब भी मुझे मेरा ब्याज मेरे इनिशियल डिपॉजिट में ना मिलके मुझे मेरा ब्याज मुझे बार बार मेरे लास्ट Bank. बैंक बैलेंस में मिलता दैट इज दोस्तों क्या आपको इ, इ, क्या आपको आपको इंटरेस्ट इंटरेस्ट सिर्फ ईयरली मिलेगा इट कैन बी ईयरली हाफ ईयरली क्वार्टरली एंड मंथली क्या डेली भी जा सकते हो बैंक मेरे पांच रुपए आज का हाँ आप जा सकते हो पर बैंक बोलेगा ये भाई देख तेरा आज का पांच रुपए होता है मैं कैलकुलेशन बता सकता हूं तुझे देख रहे दिख रहा है यहाँ पर करेंट मैं इतना मंथ में करूंगा तो बड़े स्टैंडर्ड सेट ये है कि यू कैन कैलकुलेट योर इंटरेस्ट कि मेरा पर डे कितना बनता है कैलकुलेशन हम कर सकते हैं कागज पेन में कि मेरा एक दिन का हुआ पर बैंक से हम लेते नहीं है मतलब स्टैंडर्ड सेट है मंथली कर सकते हो आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी नीचे जाओगे वन अब चले डेली दस रुपये सर मेरा आज का नहीं हो सकता पर अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं डेली हम तो पर आवर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं पर क्वेश्चन जो आता है वो अपना मंथ के हिसाब से आता है ठीक है चलो दोस्तों बेसिक पॉइंट क्लियर है कितने हाफ ईयर क्वार्टर मंथ आराम से कन्वर्जन क्लियर है आप लोगों का दोस्तों सुनो। दो गलतियां होंगी अभी भी या तो जबरदस्त लेवल पर अटेंशन रखो अपना ठीक है ना पूरा ध्यान रखो पूरा आप ये समझो कि आपको क्लास के बाद घर जाके नहीं पढ़ना है मैथ्स में आपका घर का होमवर्क इतना ही है कि घर जाके दस नए क्वेश्चन रोज मिलने वाले अभी शीट मिलेगी रोज एक बस वो व क्वेश्चन करके आओ मैं रोज कॉपी चेक करने वाला वाला हूं अब ये जैसे बोलता हूं रोज कॉपी चेक करने वाला हूं तो हमको लगता है इससे बेटर एबसेंट कर दें डाटे का अरे भाई तेरे को लग रहा है कोने में ले जाकर पिट दोगे मेरे को तुम लोग है ना <laughs> तो मैं वही कह रहा हूं ये सब चीजें ना दिमाग में लाना बंद करो ठीक है मैं ये इसलिए कह रहा हूं बस करके कि तुम्हारे इधर एक अटेंशन ना कि यार सामने ला कॉपी चेक करता है और मेरा कॉपी चेक करने का मतलब ये नहीं है कि तूने होमवर्क क्यों नहीं किया अरे भाई तेरे को पढ़ना है तो ढंग से अपने आप पढ़ लेगा मेरा कॉपी चेक करने का बस कारण यह कि तेरी गलतियां देख लूंगी तू अभी कहां पर गलत कर रहा है कैसे कैसे मिस्टेक्स कर रहा है मैं तुमको समझा पाऊँ देखिए ऐसे गलतियां बार बार रिपीट मत कर अवॉइड करना शुरू कर मेरा मोटिव इतना है ठीक है तो प्लीज़ आप लोग पूरा क्लास में तो पूरा अटेंशन रखो या तो नींद आ रही है ना बोल दो सर पाँच मिनट का ब्रेक लेकिन पूरा अटेंशन पूरा उस पूरे क्लास में पूरे क्लास में यदि मान लीजिए ये बैच जैसे भरेगा ठीक है ना उसके बाद ये होता है कि मुझे वो वो चीज़ पता लग जाती है क्लास में कि ये दस स्टूडेंट का अटेंशन ही नहीं है ठीक है अटेंशन है ही नहीं मुझे पता ही है डे वन पे पता लग जाता है उसके बाद मेरा ध्यान उन बच्चों पे अपना इसलिए कम हो जाता है तो क्या करेगा यार जब इतनी जान डाली तब तो तूने ध्यान नहीं दिया ठीक है अब तू कह रहा कोई दस दिन का बैच है क्या अब पागल हो गया क्या तीन महीने की जगह अपन दो महीने में कवर कर सकते हैं दो महीने का पा... जितना भी अपन कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन ही सेक्रीफाइस होंगे पढ़ा तो दिया मैंने अब क्वेश्चन खुद कर लेना बोलूँगा तो क्योंकि कोई मतलब है क्या उसका नहीं आज मैं कह रहा हूं इतना अच्छा समय है हम इतने सारे क्वेश्चन करने वाले हैं और जबरदस्त लेवल पूरे क्वेश्चन क्लास में करने वाले हैं इसका मज़ा उठा कि यार अच्छा तो सब क्लास में हो रहा है मैं घर जाकर बर्डन कैरी नहीं करना पड़ रहा है ठीक है कल से मैथ्स का जो टाइमिंग है वो टेन टू ट्वेल्व है पता इसका रीज़न क्या है अच्छे से नींद ले करके आना ठीक है आठ बजे आज बहुत लोगों का फ़ोन आया सर आठ बजे सर आठ बजे मतलब ठीक है मैंने टाइम चेंज करवा लिया है ठीक है ना टेन थर्टी टू ट्वेल्व थर्टी कर दिया है तो कल से दो सौ साढ़े दस से साढ़े बारह है क्लास ठीक है ना तुम कितना भी लेट सो फिर भी मैं इतना मानता हूँ इतने तो गए गुजरे नहीं हो कि नौ के बाद भी बिस्तर पड़े रहते हो उठ जाते हो ना उसके पहले ठीक है ना तो ये देखो ये देख इधर उधर एकदम हंसी आ गई अरे और कैसे नजर मिलाऊँ हाँ सर साढ़े ग्यारह से पहले तो आँख नहीं खुलती ऐसा नहीं करना नौ अपना रूटीन इतना पे आओ कि सात साढ़े सात तक उठ जाओ मैक्स टू मैक्स ठीक है ना ये अच्छा रूटीन माना जाएगा ठीक है नौ तक जा रहे हो तो बुरे नहीं कहलाओगे अपनी नजरों में नहीं गिरोगे ठीक है और उसके ऊपर जा रहे हो <laughs> तो, तो आईने में जाया मत करो अपने को देखो ही देखा ही मत करो ठीक है चलो दोस्तों शुरू करते हैं एक मिनट ऐसी ठीक करवा लेते हैं क्योंकि चलिए हेलो किशोर भी अपर क्लास में ही ना थोड़ा बहुत गर्म हो रहा है उमस ए एसी में गड़बड़ है कुछ कल तक नहीं तभी हो रहा है हाँ प्लीज चलिए दोस्तों आज से लेकर के अगले तीन दिन तक आपके कुछ ट्रिक्स के लिए कुछ तीन चीज़ें आपको याद रखनी है हमारी सारी की सारी ट्रिक की शुरुआत कहाँ से होती है आर अपॉन हंड्रेड प्लस वन मैं आपको जितनी भी ट्रिक पढ़ाऊंगा ठीक है अब ट्रिक का मतलब ये होता है इसका कोई लॉजिक नहीं होता बस एक टूल है जो आपके कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर रहा है अब हम जब इस इसमें टोटल छः ट्रिक हैं छः के अलावा साथ में कोई ट्रिक

तो दोस्तों हमारे छः की छः ट्रिक है हमारी सारी की सारी ट्रिक की शुरुआत होती है आर अपॉन हंड्रेड प्लस वन एक बार मेरे साथ बोल दो हमारे सारी की सारी ट्रिक की शुरुआत कहां से होती है आर अपॉन हंड्रेड प्लस वन ठीक है अभी कोई लिखेगा मत कोई मत लिखेगा दोस्तों हमारे सारी की सारी ट्रिक की शुरुआत होती है आर अपॉन हंड्रेड प्लस वन अब सुनिएगा अब इसके आगे ही बस मैं थोड़ा थोड़ा चेंज करूंगा ये ट्रिक बन जाएगी कभी डिप्रिसिएशन कभी ये ट्रिक बन जाएगी इफेक्टिव रेट की तो यही इसके आगे थोड़ा सा चेंज करूंगा तो बन जाएगी प्रेजेंट वैल्यू की और थोड़ा सा चेंज करूंगा तो बन जाएगी फ्यूचर वैल्यू की बस इसके अलावा पूरी ट्रिक में कोई रिक्वायरमेंट है नहीं तो एक बार कह दीजिए हमारे सारे के सारी ट्रिक की शुरुआत कहाँ से होती है बुक में ऐसे पेन फंसा और बुक को बंद कर दो कर दो बंद मैं जानता हूँ गर्ल्स कितना ही मना कर लो लिखेंगी नहीं सर मैं नहीं लिख रही हूँ सर गजब की कला है नीचे देखे बिना कॉपी में लिख भी लेती हैं और ऊपर समझ भी लेती हैं सर मैं लिख ही नहीं रही हूँ सर हाँ सर लिख लिया हाँ सर <laughs> अभी लिखने का टाइम दूंगा तब फिर चैट में और व्हाट्सअप चेक कर लेती हूँ इसलिए जब मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा तब लिखिए ठीक है, है ना और बाकी पूरा ध्यान यहाँ पे समझने में दूँ हमारी सारी की सारी ट्रिक की शुरुआत कहाँ से होती है आवाज़ नहीं आ रही हमारे सारी की सारी ट्रिक की शुरुआत कहाँ से होती है आर अपॉन हंड्रेड प्लस वन अब दोस्तों बस इसका थोड़ा सा यदि है, तो सीधी बात सवाल में प्रिंसिपल देगा ठीक है तो आप मल्टीप्लाई करिए बटन, बटन दबाएंगे अमाउंट। अमाउंट। दोस्तों ये अमाउंट कुछ और नहीं इसे ही हम देशी परिभाषा में कहते हैं बैंक बैलेंस आज तेरे पास ये है, वो है क्या है तूने सौ रुपए बैंक में डाले थे दस रुपए का ब्याज कमाया इस टाइम तेरा बैंक बैलेंस कितना हो चुका है

तो इसके लिए मेरे को तो माथे में कुछ और लिखवाना पड़ेगा पर ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं ठीक है अब सुनना हमारी सारी की सारी ट्रिक की शुरुआत कहाँ से होती है आर अपॉन हंड्रेड प्लस वन मल्टीप्लाई किया प्रिंसिपल से कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है सवाल वहां क्या मिलेगा प्रिंसिपल ठीक है आपने इक्वल टू का बटन दबाया तो क्या प्रेजेंट हो जाएगा तो आपके सामने अमाउंट दोस्तों आपके कैलकुलेटर में जो दिख रहा है वो क्या है अमाउंट सर बात यह आती है इक्वल टू का बटन कितने बार दबाएं मैं कहता हूं आप इक्वल टू बटन दबाए नंबर ऑफ ईयर्स नंबर ऑफ ईयर्स मुझे पाँच साल के बाद का अमाउंट चाहिए पाँच साल के बाद का मुझे मेरा क्या चाहिए बैंक बैलेंस पाँच हज़ार रुपए बैंक में डाले हैं बैंक कहती है आठ परसेंट से रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगी आइए ट्रिक को लगाते हैं नहीं यहां पे दिमाग में एट अपॉन हंड्रेड विजुलाइज कर रहे हो प्लस वन मल्टीप्लाई बाय कितना पहले बैंक में डाला था पाँच हज़ार मल्टीप्लाई बाय पाँच हज़ार कितने साल के बाद का बैंक, बैंक बैलेंस चाहिए पाँच एक दो तीन चार पाँच कौन बैठा है आपके सामने उंट सुनना सुनना रुको रुको मैंने कहा भैया मान लेते हैं आ गया मतलब मुझे भी नहीं पता। है? तो क्या है दोस्तों आठ हजार पांच सौ रुपए आ गए पर मैंने कहा तूने ब्याज कितना कमाया इंटरेस्ट अब ये जो बैंक बैलेंस आया अमाउंट इसमें दो कंपोनेंट है एक है आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट और एक है आपका ब्याज इंटरेस्ट यदि मैं इसमें से खींच के प्रिंसिपल को बाहर निकाल दूं तो क्या रह जाएगा इंटरेस्ट कितना रुपए बैंक में लगाया लगाया था, पाँच था? पाँच था? पांच हजार आठ हजार पांच सौ में से आपने प्रिंसिपल माइनस कर दिया माइनस पांच हजार तो जो बचा हुआ है वो क्या है इंटरेस्ट दोस्तों अब इस ट्रिक में आप देखोगे कि ध्यान से मैंने माइनस प्रिंसिपल नहीं लिखा है अरे अमाउंट आ गया ना अमाउंट के अंदर दो कंपोनेंट है पहला कंपोनेंट क्या है प्रिंसिपल और दूसरा कंपोनेंट क्या है तो माइनस कर दे प्रिंसिपल इंटरेस्ट आ जाएगा इसके आगे इंस्टीट्यूट खेलता है क्वेश्चन में प्रिंसिपल तो मानता ही नहीं है वो अमाउंट का यूज कैसे करना वही है हमारे एडवांस और उसके लिए दोस्तों, दोस्तों कह सारी सारी शुरुआत कहां से होती है आर अपॉन हंड्रेड प्लस वन मल्टीप्लाई किया प्रिंसिपल से क्या, क्या आ रहा है सामने अमाउंट मैं कहता हूं मुझे इंटरेस्ट बता बस तो क्या खींच के बाहर निकालोगे प्रिंसिपल ये पॉइंट क्लियर है चलिए दोस्तों यदि आपको इंटरेस्ट मिलता है क्या कह रहा हूं मैं मतलब आप बैंक को कहते भैया हर साल के आखिरी में मेरे, मुझे मेरा ब्याज दे देना तो वो क्या कहता है अपॉन करिए आप ठीक है लेकिन यदि आपको आपका इंटरेस्ट मिलता है हाफ ईयरली मैं कह रहा हूं कैसा हाफ ईयरली मतलब आप बैंक को क्या कहते हो हर छह महीने के बाद मुझे मेरा ब्याज चाहिए करेक्ट तो so दोस्तों आप आर अपॉन हंड्रेड की जगह बस करिए आर अपॉन टू हंड्रेड बस बाकी पूरी ट्रिक एज आर अपॉन टू हंड्रेड प्लस वन मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल इक्वल टू के बाद अमाउंट अब दोस्तों यहां पे आता है छोटा सा चेंज आपको इक्वल टू का बटन कितने बार दबाना है इसको समझो एक बार आपको इक्वल टू का बटन दबाना है उतने बार आपका ध्यान है पक्का फुल टू ध्यान है हुँ. आपको इक्वल टू का बटन उतने बार दबाना है जितने बार आप बैंक जाने वाले हो कि जितने बार आप बैंक बैंक, बैंक मेरा ब्याज प्लीज ठीक है ईयरली मिलता है आपको इंटरेस्ट कैसा मिलता है ईयरली दो साल के लिए बैंक में पैसा रखा तो बैंक कितने चक्कर काटोगे एक बार 31 दिसंबर 2023 और एक बार 2024 आपको इंटरेस्ट मिलता है हाफ ईयरली तो मुझे बताइए बैंक कितने चक्कर काटोगे दो साल में चार, चार बार तो आपको इक्वल टू का बटन दबाना है नंबर ऑफ हाफ हाफर्स नंबर ऑफ हाफ हाफर्स ये पॉइंट क्लियर हुआ दोस्तों अब मुझे बताइए यदि आपको इंटरेस्ट मिलता है क्वार्टरली तो बैंक के चक्कर कैसे काटोगे हर तीन महीने बाद बैंक बैंक मेरा ब्याज

मुझे बताओ मैं कहता हूं भैया मेरे को मेरा इंटरेस्ट चाहिए मंथली कैसा चाहिए मंथली मुण। तो एक साल में कितने बैंक के चक्कर बारा। तो बारह बार इक्वल टू का बटन दबा दो साल में कितने बैंक के चक्कर क्लियर है तो दोस्तों आर अपॉन ट्वेल्व हंड्रेड ट्वेल्व हंड्रेड प्लस वन मल्टीप्लाई बाई प्रिंसिपल टू अमाउंट दोस्तों इक्वल टू कितने बार नंबर ऑफ मंथ क्योंकि जितने महीने उतने चक्कर काटोगे नंबर ऑफ मंथ्स ये पॉइंट क्लियर है ठीक है दोस्तों हमने दो पेज किए इन दोनों पेज पे मेरे को एक बार आप अब देखो मुझे पढ़ाने में भले समय लग रहा है ठीक है पर ये नोट्स आपके पास ऐसे बन रहे हैं क्योंकि आपको रिवाइज करने में मात्र एक पेज तीस सेकेंड पैंतीस सेकेंड आपका ऐसा विजुअल मेमोरी तैयार होगा मैथ्स में क्वेश्चन जब आ रहा है आपको पता है हाँ वो पेज में इस कोने में इस कोटने में, में वाला फार्मूला लिखा था इस कोने में रेड पेन से मैंने हाईलाइटर मार्क करके वाला फार्मूला लिखा था ऐसा आपके साथ तैयार होगा पूरा चैप्टर पूरा नोट्स आपके तैयार होंगे ऐसे ठीक है तो आपके नोट्स बस कंसेप्ट हैंडबुक में बढ़िया से मेंटेन करो ब्लैक कलर से मैंने पूरी कॉन्सेप्ट हैंडबुक रखी है आप ब्लू कलर रेड कलर और हाईलाइटर तीन चीज़ यूज कर सकते हो ठीक है ब्लैक कलर भी यूज करो पर क्या होगा जल्दी से आपको नहीं पूरी बुक ब्लैक है क्योंकि ठीक है ब्लैक एंड वाइट है तो आप लोग दो कलर मेंटेन करो रेड और ब्लू और हाईलाइटर भी यूज़ कर सकते हो लेकिन नोट्स अपने इतने बेहतरीन बनाओ कि आपको रिवाइज करने में कभी त्रास ना है मैं राइटिंग शायद गंदी इसलिए भी लिख दूंगा मुझे थोड़ा तो फास्ट लिखने की हैबिट है लेकिन आप लोग अच्छे से बनाना नोट्स और मैथ्स की जो क्वेश्चन वाली कॉपी है उसमें इतना काटा पीटी करो सलाब खुद समझ में नहीं आ क्या लिखा कभी ठीक है क्योंकि वो कॉपी स्क्रैप है ठीक है इसलिए अगली कॉपी सौ रुपये वाली ना लें ऐसी कॉपी लें जो कोई खरीद नहीं रहा वहां से मार्केट में <laughs> बोलना भाई कोई है जो नहीं बिकती दे दे तीन चार कॉपी भरना तो है मेरे को रफ कॉपी की तरह मैथ्स ठीक है चलिए दोस्तों पहली बात जब भी आपको आपका ब्याज आपके इनिशियल डिपॉजिट पर मिलता है दैट इज और आपको जब भी आपका ब्याज आपको लास्ट बैंक बैलेंस पर मिल रहा है दैट इज क्या आपको जरूरी है ब्याज ईयरली मिले इट कैन बी ईयरली ह्यूमिडिटी हो रही है वो कूल पे लिखा हुआ है

आगे अपनी वाली पे <laughs> मेरे पे तो है सर जोश बाकी का नहीं मालूम अच्छी बात है बढ़िया सारी के सारी ट्रिक की शुरुआत कहाँ से होती है आर अपॉन हंड्रेड प्लस वन मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल अरे कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है ना तो क्या देगा प्रिंसिपल आपने इक्वल टू का बटन दबाया क्या फ्लैश कर रहा है वहां पे अमाउंट मैंने कहा भैया मुझे अमाउंट नहीं मुझे प्रिंसिपल मुझे बताओ मेरा तेरा ब्याज कितना हुआ क्या खींच के बाहर निकाल दोगे प्रिंसिपल क्लियर है अब ट्रिक तो यही है यदि हाफ ईयरली है तो आर अपॉन हंड्रेड की आर अपॉन टू हंड्रेड यदि क्वार्टरली है तो आर अपन टू हंड्रेड की आर अपॉन फोर हंड्रेड और मंथली है ट्वेल्व हंड्रेड ये पॉइंट क्लियर है दोस्तों तो आइए प्रूफ करिए आप सही कह रहे हैं दोस्तों एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल के एक सिंगल क्वेश्चन आपके मॉड्यूल के पूरे क्वेश्चन कवर करता है पूरे पूरे मतलब पूरे मैं कह रहा हूं ठीक है बारह क्वेश्चन दिए मॉड्यूल ने वो बारह क्वेश्चन छोड़ के सब पूछता है एग्जाम में ठीक है और वो बारह वो बारह क्वेश्चन यहाँ पे आपको एक चार्ट में दिख रहा होगा पूरा दिख जाएगा अभी ठीक है तो मॉड्यूल में जो क्वेश्चन दिए हैं वो पच्चीस तीस पैंतीस क्वेश्चन वो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने कहा भैया तू समझ रहा है ना कि क्वेश्चन ये नहीं आते <laughs> ये छोड़ के बाकी सब आता है तो तू पढ़ लेना खुद से ठीक है और हमें ब्लेम मत करना हमने तो कहा था तो तू पढ़ के आ ठीक है हमने कभी नहीं कहा यही पढ़ के आ सुनना ए पर्सन इन्वेस्ट एट थाउजेंड आपने आठ हज़ार रुपये इन्वेस्ट किए ये क्या है आपका प्रिंसिपल है जो आपने इनिशियल डिपॉजिट किया बोलो हाँ ना ठीक है प्रिंसिपल है सात परसेंट के हिसाब से कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉलोइंग सिचुएशन थोड़ा ठंडा हुआ क्या अभी हल्का सा आया नहीं आया नहीं बोल रहे हो रहा है पक्का क्या ड्राइवर आया था क्या अच्छा ठीक है ठीक शुरू करें दोस्तों सुनिएगा मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूं पहले आपको पार्ट ए है दोस्तों इंटरेस्ट इज पेबल ईयरली इंटरेस्ट इज पेबल ईयरली मतलब आप अपना ब्याज कैसे मांगते हैं हर साल के आखिरी में अब ईयरली है तो आर अपन हंड्रेड करोगे कि टू हंड्रेड करोगे हंड्रेड प्लस वन पहले पहले पूरा समझो यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूरा सही करना है एक बार में क्वेश्चन सही करो अंदर से कॉन्फिडेंस का ज्वालामुखी फटेगा आ, आ गया जो आज तक नहीं आया था ठीक है और वही गलत कर रहे हो फिर गलत कर रहे हो फिर गलत कर रहे हो फिर आ गया तो ऐसा लगेगा अरे सवाल भगवान भरोसे जा रहा हूं फिर से मैं ठीक है ऐसा नहीं करना है अपन को अपन को क्वेश्चन सिंगल शॉट में सही करना है समझ में आई नहीं सारी बातें ध्यान में है ना तो गलत करोगे क्या बिल्कुल गलत नहीं करोगे गलत हम तब करते हैं जब साल आधा आधा अधूरा पढ़ते हैं आधा अधूरा समझते हैं सौ परसेंट पढ़ के जाओ हंड्रेड परसेंट परफॉर्म करके आओ कोई तुमको फेल नहीं कर सकता पढ़ के जाते हैं अस्सी परसेंट परफार्म करते हैं पैंसठ परसेंट नेगेटिव मार्किंग के साथ आता है थर्टी सेवन थर्टी एट ठीक है जो बच्चे थर्टी फाइव से फोर्टी के बीच में स्कोर करते हैं ना इनका दुख दर्द पीड़ा संभालना बड़ा बड़ा टफ आँख में एकदम तुरंत पानी आता है यहाँ पर एकदम ऐसा बस यदि उस टाइम पर आपने बात चेंज नहीं की तो टपक ही जाएगा ठीक है तो फिर उसका ऐसा कंट्रोल और बता घर पे सब ठीक चल रहा है हाँ हाँ बाकी तो सब ठीक है <laughs> तो बस वही रह गया अरे छोड़ उसको और दो मिनट बाद आते हैं <laughs> तो तुरंत तो ये अब देखो जिसका आया है पच्चीस से तीस नंबर उसने तो पाप किया है वो तो रेडी था इस चीज़ के लिए लेकिन जिसका थर्टी सेवन थर्टी एट फोर्टी टू और बाकी किसी एक में रह गया उसकी वजह से एग्रीगेट नहीं बन पाया वन नाइन्टी वन नाइन्टी वन वन नाइन्टी फाइव वन एट्टी वन एट्टी फाइव अब ये ऐसा है पूरी पूजा पाठ किया एग्जाम के एक दिन पहले ठीक है रिजल्ट के एक दिन पहले तो ऐसा कोई मंदिर नहीं छोड़ा होगा इसने <laughs> सही कह रहा हूँ पूरा हे प्रभु बस तू ये संभाल ले इसके बाद से मैं लाइट वाइट सब बंद करूंगा कभी बिजली वेस्ट नहीं हाँ ऐसा हर कमिटमेंट कर दोगे जिसके लिए माँ बाप कह रहे हैं बेटा लाइट बंद किया कर तो उस दिन बोलोगे भगवान के सामने मैं आपसे करूंगा लेकिन उसके बाद जब आप वन एट्टी फाइव वन नाइनटी देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मैंने क्या गलती किया यार अब दोस्तों फैक्ट ये है कि आप एकदम ही ऐसी जगह पर आके खड़े थे आप एकदम अंडर कॉन्फिडेंट होकर अपने पेपर को दिया वरना 40-45 नंबर तो आप डेफिनेटली लाते हैं लेकिन आप इतने अंडर कॉन्फिडेंट होकर पेपर को दिया आपने इतना अंडर कॉन्फिडेंट होकर पेपर को दिया पेपर के एक मिनट पहले और कांपने लग गए पेपर सामने आया आज तक टेस्ट सीरीज में तीन पेपर देखे थे चिपका चिपका के क्वेश्चन दे दिया पेपर का पैसा बचाने के लिए इंस्टीट्यूट ने दिल खोल के पच्चीस पेज का पेपर दिया पलट पलट के अब इस सो ही नंबर का पेपर है ना और 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 अंदर से पैनिक बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है और बैक टू बैक तीन क्वेश्चन नहीं बने और बढ़ गया पैनिक सिचुएशन अब बस वहीं पे तुम कर गए नेगेटिव मार्किंग को अट्रैक्ट कर गए वहाँ पे तो दोस्तों अपन को सिर्फ और सिर्फ क्या सिर्फ पूरा सही तरीके से पढ़ के अपन परफॉर्म कर पाएंगे क्या नहीं अपन को चाहिए चैलेंजिंग क्वेश्चन अपन को चाहिए जो दुनिया नहीं कर पा रही वो क्वेश्चन हमको क्रैक करने की क्षमता चाहिए ये तुमको लग रहा है वो बिल्ड कर लिए तो ट्रस्ट मी एग्जाम के एक मिनट पहले तुम मतलब जितने भी फोन ऐसे मैं काफ़ी स्टूडेंट्स से नाम कह रहा हूँ एक मिनट पहले सर मेरे को लग रहा है मैं अच्छा करूँगा मैं अच्छा करूँगा अच्छा करूँगा बोल रहा है वो अच्छा करके भी आया वहाँ पे और जो एक दिन पहले बोलते हैं ना मैं डर गया तो मुझे बस यही डर लगता है यार पढ़ा तो बहुत है यार बस आज जा करके सलाह ये डर वर के वहाँ पे बोलना नहीं और पता है जब हम मैथ्स में मैं, मैं कल भी मैंने काउंसिलिंग में कहा मैथ्स के पेपर में प्रॉब्लम पता है क्या है पूछो क्या है पेपर खत्म होने के बाद पता चलता है कि पेपर आसान था वो सला कोई पहले बता देना आसान पेपर है फोड़ दोगे जो पढ़ के ऐसा सब कर जाएगा तब तुम बोलोगे हाँ हाँ ठीक है अब तो मैं अच्छे से पढ़ूंगा आराम से पेपर पर सला पेपर में क्वेश्चन करते हैं ना पेपर खत्म होता है आखिरी में साला पेपर तो आसान था मेरा वो दोस्त राहुल वो तो अच्छा कर दिया होगा मैं ही गड़बड़ कर दिया हूँ और उसके बाद टेंशन और हावी है वो पास होने वाला है मैं और पेपर से निकलने के बाद जब बाहर लोग बोलते हैं पेपर तो ईजी था पेपर तो ईजी था तुमको लगता हाँ साला पहले किसी ने बताया नहीं पेपर तो सच में ईजी था पर मैं ही वहाँ पर पैनिक कर गया तो ये इतनी बारीक पॉइंट मैं कह रहा हूँ जो मैं कह रहा हूँ ना ट्रस्ट ये फैक्ट है ये कम ये फैक्ट है कि हमको पेपर में मैथ से पता नहीं चलता कि पेपर आसान है वो दो घंटे बाद ख़त्म होने के बाद पता चलता है बस हमको इतना तैयार करना है कि पंद्रह मिनट में जज कर ले बोलो कि पेपर साला अपने जीरोडिक्शन के अंदर गए और अपन फोड़ने वाले हैं बस वो तभी तैयार कर पाएंगे अपन जब अपने लेवल ऑफ क्वेश्चंस अच्छे हैं और वो वेवर लेबल को देखकर डर नहीं रहे अपन वो अल्फ़ाबीटा काम का देखकर डर नहीं रहे एपीजीपी में देखा एपीजीपी नहीं है हाँ हाँ नहीं डर रहे वो पी क्यू हाँ संभाल लेंगे ये कॉन्फिडेंस है आपके अंदर बस आप खेल जाओगे आपने टाइम वैल्यू अपने उठाया अरे तो अमाउंट है ये फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू लीजिंग वैल्यूशन हाँ हाँ कर लूंगा बस ये अपन को चाहिए ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ही पाँच मिनट में अटेम्प्ट कर लेंगे पर क्वेश्चन को देख के जो हम पैनिक ना करें उतना तैयार करना है अपने आपको और स्टार्टिंग पाँच मिनट में हमको कंक्लूड करना कि पेपर क्या है ईजी फिर दो घंटा तुम्हारे हाथ में चलो दोस्तों इंटरेस्ट इज पेबल ईयरली ठीक है कितने पैसे लगाए बैंक में रुक जाओ पहला वाला पार्ट मैं करूंगा ठीक है पहला वाला पार्ट मैं करता हूं फिर आप लोग ध्यान देना कल दोस्तों ये चीज और इंप्रूव हो जाएगी थोड़ा सा काम चला लो इससे दिख रहा है कैलकुलेटर अभी ठीक है कल सब चीजों को ठीक कर दूंगा मैं आज थोड़ा टाइम नहीं मिला सेटअप करने का प्रॉपर सुनिएगा दोस्तों कैलकुलेटर में किसी के पास सबकी के पास कैश के कैलकुलेटर सही हैं पर यदि किसी का आंसर नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा आपके कैलकुलेटर में एक प्रॉब्लम है वो आपको अकाउंट्स में परेशान करेगी कुछ गलत कैलकुलेटर अब तो डिसकन्टिन्यू हो गया पर कोई मा, प, पुराना माल चिपका दे तो बात अलग है दुकान वाला ठीक है सुनना हमारी सारी की सारी ट्रिक की शुरुआत कहाँ से होती है आर अपॉन हंड्रेड रेट कितना है सात परसेंट आर अपॉन सात परसेंट ही ना हाँ आर अपॉन रुको रुको रुको, रुको नहीं 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 अभी यहाँ पे पहले यहाँ पे आर अपॉन हंड्रेड प्लस वन मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल कितना प्रिंसिपल है आठ हजार मल्टीप्लाई बाय आठ हजार कितने साल के बाद आपको अमाउंट चाहिए एक साल के बाद बोलो हाँ इक्वल टू कितने बार एक बार, एक बार. आपके सामने प्रकट हो चुका है कौन अमाउंट कितना आठ हजार पांच रुक जाओ रुक जाओ मैंने आपसे मांगा है अमाउंट भी और प्रिंसिपल इंटरेस्ट भी इसमें इसके अंदर दो कंपोनेंट है इसके अंदर दो कंपोनेंट है इसमें प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी पर मैंने कहा मुझे सिर्फ इंटरेस्ट बता तो क्या खींच के बाहर निकालोगे कितना इन्वेस्ट किया था आठ हज़ार माइनस कर दिया आठ हज़ार कितना पांच सौ साठ अब दोस्तों कितने ईयर्स अब पॉइंट ये सर इक्वल टू का बटन कितने बार दबाएंगे वन पॉइंट फाइव टाइम्स दबाना है तो क्या करें एक बार पूरा दबा दिया और एक बार आधा दबा देते हैं सर <laughs> ऐसा अरे भाई तू अब कुछ लोग बोलते हैं हाँ अरे पागल हो गया क्या आधा बटन दबता है क्या बटन तब तो पूरे दबेगा बटन तो पूरा दबेगा ये डेसिमल में कैसे खेलना है इसके बारे में अपन डेवलप करेंगे मैं अभी यहाँ पे पेंडिंग लिख रहा हूँ आप लोग मत लिखिएगा अपन करेंगे डेवलप अभी नीचे कॉन्सेप्ट आएगा ये देखिए आएगा नीचे आएगा देखेंगे ठीक है अब आइए टू ईयर्स दो साल में रुक जाओ सेवन रुक जाओ अभी मत करना नहीं आर अपॉन हंड्रेड क्योंकि ईयरली है सेवन अपॉन हंड्रेड प्लस वन मल्टीप्लाए आठ हजार कितने साल के बाद का अमाउंट चाहिए दो इक्वल टू कितने बार एक दो क्या फ्लैश हो गया अमाउंट कर प्रिंसिपल आउट मिल जाएगा इंटरेस्ट ठीक है ढाई साल अपना पेंडिंग रखेंगे अब दोस्तों आ जाओ पहले यहां पे हाफ ईयरली मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ आठ हजार इक्वल टू की हाफ ईयर अब तू बता एक साल में कितने हाफ ईयर दो. दो चक्कर काटेगा बैंक के एक दो क्या आ गया अमाउंट खींच के बाहर निकाल दे प्रिंसिपल हो जाएगा दोस्तों क्वार्टरली तुम खुद सोचोगे मंथली तुम खुद सोचोगे पूरे आंसर निकालो ठीक है गलत मत लिखना कॉपी में लिखो मैं तुम्हें दो मिनट का समझ देता हूँ खुद सॉल्व करो सारे क्वेश्चन चलो ये ईयरली में पेंडिंग जो लिखा है उसको छोड़ के सारे क्वेश्चन ट्राई करो बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस है तो कॉपी में बुक में हैंडबुक में लिख सकते हो डिस्कस पूरा करेंगे अपन डिस्कस पूरा करेंगे और कोई है जो कैलकुलेटर भूल गया तुम लोग को तो मतलब मुर्गा बनना चाहिए इधर और कोई भी कैलकुलेटर के नाम पे ये मोबाइल का कैलकुलेटर ना खोल के बैठे ठीक है थीके? दोस्तों हो गया ईयरली वियरली हो गया हो गया आराम से करना और प्लीज़ यहाँ पे जितने लोग भी पबजी खेलते हैं ऐसे ऐसे कैलकुलेटर मत चलाओ और इधर हंड्रेड प्लस वन अरे भाई ऐसा नहीं प्लीज़ होते हैं आपकी स्पीड बहुत ज़बरदस्त लेवल पर इंक्रीज़ हो जाएगी अभी स्लो भी खेलोगे पर सही आंसर निकालो ये इंपॉर्टेंट है स्पीड के काम अब पहले दिन पर नहीं कर सकते बढ़ाना मत सही आंसर निकालना सही आंसर निकालने से ही कॉन्फिडेंस आएगा यदि किसी का आंसर नहीं आ रहा कैलकुलेटर प्रेस करने के बाद भी प्लीज़ हाथ तो उठा देना बस पे कर लिखा नहीं अभी 1.5 पॉइंट फाइव अपन डिस्कस करने के हैं अभी 1.5 अपन डिस्कस करने के हैं अभी दोस्तों एक बार पहले तो ट्रिक को समझो r अपॉन हंड्रेड प्लस वन मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल अपन चीज़ों को तभी लिखेंगे जब पहले दिमाग में बैठेंगे फिर कॉपी में लिखने का, का काम करेंगे इसलिए मैं लिखने का टाइम अभी तक दिया नहीं मैंने अभी दूंगा टाइम लिखने का हो गया गया शुरू करें डिस्कशन एक कैलकुलेटर मिलेगा ले चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपन ईयरली पे पहले दोस्तों टू इयर्स के लिए शुरू करें अपन अपन ने इसको पेंडिंग किया अभी अपन ने इसको भी पेंडिंग किया है अपन इसको पेंडिंग किया है ये पॉइंट वालों को अपने यहां पे आ रहे हैं अभी पहले ठीक है चलिए दोस्तों टू ईयर्स के लिए आर अपॉन हंड्रेड आर अपॉन हंड्रेड क्योंकि इंटरेस्ट इज पेबल ईयरली सेवन आर अपॉन हंड्रेड प्लस वन मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल कितना प्रिंसिपल है आठ हजार रुपये मल्टीप्लाई बाय आठ हजार अब देखो गलती कैसे होती है आप मल्टीप्लाई दबाना भूल गए थे आप प्रिंसिपल को देखने कॉपी में चले गए थे ठीक है आप मल्टीप्लाई आप सोचो आर अपॉन हंड्रेड प्लस वन किया मल्टीप्लाई कर क्या हो क्योंकि आपको सीधे मल्टीप्लाई के प्रिंसिपल ढूंढना है वो आप छोटी छोटी गलतियां मैं कह रहा हूँ हम कैसे कर सकते हैं गलतियां है? समझना आर अपॉन हंड्रेड प्लस वन ठीक है और आप चले गए प्रिंसिपल कितना है कॉपी में देखने पर आप भूल गए कि आप मल्टीप्लाई का बटन नहीं दबाए हो तो ये छोटी छोटी गलतियां मैं तो एकदम बारीक पॉइंट कह रहा हूँ इस पर भी काम करो आज से मल्टीप्लाई चलो प्रिंसिपल मेरे को पता है पर मैं फिर भी देख रहा हूँ कि आप एग्जाम में आपके साथ ये होने वाला है जो मैं कर रहा हूँ मल्टीप्लाई बाय आठ हजार मल्टीप्लाई बाय आठ हज़ार इक्वल टू कितने बार कितने साल के बाद अमाउंट चाहिए दो साल एक दो क्या आप सभी का यही आया था नाइन वन फाइव नाइन पॉइंट टू 9159.2 दोस्तों मुझे चाहिए इंटरेस्ट माइनस कर दूं प्रिंसिपल कितना माइनस 8000 कितना आ गया 1159.2 दोस्तों क्या आप सभी का दो साल का यही आंसर आया है पक्का कोई है जिसका आंसर नहीं आया आया स्लो गया आज आराम से देख पहले ट्रिक को दिमाग बैठाओ मैं लिखने का समय जानबूझ के नहीं लिख दूंगा तो बार बार आप ऊपर ट्रिक को देखते हैं

डेसिमल में है क्या तीन नहीं आप दबा सकते थे कितने लोगों ने मैंने यहाँ पे पेंडिंग लिखवाया तो आप अपने आप एज्यूम कर लिया होगा पेंडिंग मैंने कहा सब कर सकते हो ठीक है पर भाई डेढ़ साल है पर तुझे तो इक्वल टू तो साल में नहीं दबाना ना नंबर ऑफ हाफ ईयर दबाना है और डेढ़ साल में कितने हाफ ईयर तीन <coughs> करिए मुझे बताइए छः महीने में कितने हाफ ईयर एक अब समझ में आ रहा है मैं जब आपको कह रहा था कन्वर्जन तो आपको ऐसा लगा होगा मन में अबे यार तब तो हमको आता है भाई अभी ये मैं नहीं करता डिस्कस और सीधे क्वेश्चन में आ जाता तो हूँ पैनिक करते हैं। और ये कन्वर्जन में गलतियां कर रहे हैं अब नहीं करना है गलती कन्वर्जन में शुरू करें डिस्कशन आ जाए दोस्तों क्वेश्चंस में कैलकुलेटर पे आ चलिए एक साथ लेते हैं पूरे क्वेश्चन दोस्तों पहले ईयरली है आर अपॉन सेवन है कि कितना रेट है सेवन आर अपॉन हंड्रेड की टू हंड्रेड आर अपॉन टू हंड्रेड प्लस वन मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल कितना प्रिंसिपल है मल्टीप्लाई कि में कितने कितने बार बार एक साल ये 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 जो प्रकट हुआ है ये क्या है है क्या आपका आया यदि इसमें से में प्रिंसिपल माइनस कर दूंगा आठ हजार तो क्या बचेगा इंटरेस्ट और वो कितना है 5, 8. 8 है ना हाँ। हो गया क्या दोस्तों मैं बोर्ड बाद में शो करूंगा कल से आपको कैलकुलेटर बोर्ड और मैं हम तीनों दिख जाएंगे यहाँ पर ठीक है आज सेटअप करने का टाइम नहीं मिला कल मैं भूल गया था सेटअप करने के लिए आना बट आफ्टर द क्लास मैं आपका कैलकुलेटर व्यू का सेटअप बहुत अच्छा कर दूंगा ठीक है तो हम नोट्स कैलकुलेटर एक साथ रेफर कैसे करते हैं मैं वो भी आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूंगा कल से आज नहीं कर पा रहा हूँ ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ द स्टूडियो ठीक है दोस्तों अब मुझे बताइए दो साल है अगला अगला दो साल है दो साल में कितने हाफ ईयर चार इक्वल टू चार बार दबाओगे एक बार दोबारा करो दोबारा करो मैं जानता हूं कर लिया पर दोबारा करो एक बार करो दादा साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है अच्छा अरे बाप रे, दिखता साइंटिफिक है ठीक है हो गया चार बार शुरू करें। चलिए मुझे बताइए आर सेवन आर अपॉन हंड्रेड की टू हंड्रेड टू हंड्रेड प्लस वन मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल कितना प्रिंसिपल है आठ हजार इक्वल टू कितने बार चार बार नंबर ऑफ हाफ ईयर्स और दो साल में कितने हाफ ईयर चार एक दो तीन चार क्या आप सभी का नाइन वन एट जीरो पॉइंट वन एट आया था जब आपने प्रिंसिपल माइनस कर दिया था आठ हजार तो क्या आप सभी के पास वन वन एट जीरो पॉइंट वन एट आ गया ठीक है दोस्तों मुझे बताओ आप लोग की अंडरस्टैंडिंग अच्छी जा रही है स्पीड ठीक है स्पीड अभी तो आज कम ही है डेफिनेटली आज कम है बस एक बार हमारा अपना फ्रीक्वेंसी मैच होना शुरू हो गया ठीक है ना स्पीड मैं ओर डाउन टाइम बढ़ाऊंगा थोड़ी सी ठीक है मतलब मेरा मानना है अभी तक मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का ये वाला पार्ट खत्म कर देता पर मैं पंद्रह मिनट एक्सटेंड कर दिया हूँ क्योंकि मैं बार बार आपसे रिपीट करवाऊंगा ठीक है पर वंस आई गेट द कॉन्फिडेंस कि हाँ सबके मुझे पता है कौन कौन कहाँ कहाँ पर अटक सकता है मुझे पता चल जाएगा तो कहाँ अटकने वाला कौन कहाँ अटकने वाला मैं नाम लेके पूछ लूँगा तो यहाँ पर अटका होगा बता देना मुझे ठीक है ये बस दस दिन की बात है दस दिन के बाद हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे अच्छी बात यह है कि जब मेरी स्पीड कम है मैंने जान मुझ के बड़े चैप्टर प्लांट कर दिया उस टाइम पर जैसे कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीक्वेंस एंड सीरीज और टाइम वैल्यू ऑफ मनी और तीन पे कॉन्फिडेंस आने के बाद तुम लोग धूम बचाने वाले हो ठीक है 1.5 पॉइंट ईयर्स अगला है दोस्तों 1.5 मुझे बताइए एक बार फिर से रुको रुको आर अपॉन हंड्रेड की टू हंड्रेड प्लस मल्टीप्लाई बाय आठ इक्वल टू कितने बार कितनेस की तीन हाफ ईयर सॉरी तीन हाफ ईयर एक दो तीन करो दोबारा मैं यदि कोई क्वेश्चन कह रहा हूँ दोबारा करो तो करना ठीक है ना ऐसा नहीं मेरा तो आ गया भाई हम क्यों करें दोबारा दोस्तों आर अपॉन टू हंड्रेड प्लस वन मल्टीप्लाई बाय आठ हजार कितने हाफ हाफियर डेढ़ साल में तीन? तीन एक दो तीन, तीन। कितना गया एट एट सिक्स नाइन पॉइंट सेवन फोर माइनस आठ हजार करेंगे तो एट सिक्सटी नाइन पॉइंट सेवन फोर लिख दूं चलिए दोस्तों मुझे बताइए अब छह महीने में कितने हाफ ईयर एक इक्वल टू बटन कितने बार दोगे करो कितना आ रहा है एट टू फाइव ज़ीरो अच्छा एट टू एट जीरो एट टू एट ज़ीरो बस एग्जैक्ट आ रहा है एट टू एट ज़ीरो और आपका कितना आ जाएगा दो सौ अस्सी रुपये आ जाएगा इंटरेस्ट ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है आया सबका आया पक्का आपने इक्वल टू बटन एक बार क्यों दबाया क्योंकि आपको नंबर ऑफ हाफ़ ईयर चाहिए थे और छः महीने में कितने हाफ ईयर अरे सर छः महीने का मतलब एक हाफ ईयर ये पॉइंट क्लियर अभी कन्वर्जन पे लोड मत देना मैं 2.69 पॉइंट सिक्स नाइन ईयर इलेवन पॉइंट नाइन एट टू फाइव सिक्स ईर्यरस कर लेंगे अपन ठीक है आएगा वो लेवल अभी चलिए क्वार्टर्स पे आते हैं एक साल में कितने क्वार्टर चार चार। पूरा दोबारा करो जिस आंसर आ गया फिर भी दोबारा करो करो पूरे क्वार्टर का दोबारा करो क्वार्टर वाला गेम पूरा खेलो एक बार फिर से दोस्तों तो डेढ़ साल में कितने क्वार्टर एक साल में चार तो वन में कितने क्वार्टर छः क्या छह आप इक्वल टू वर्टन दबा सकते हो हाँ ना तो डेसिमल वाला लोड है क्या यहाँ पे नहीं हो गया yes, क्वार्टरली yes, आ रहा ऑन हंड्रेड टू हंड्रेड कि फोर हंड्रेड ठीक है देखो लास्ट में तुम लोग आ रहे हैं आंसर पक्का दोस्तों यहाँ पे हम सब लोग पास होने के हिसाब से यहाँ है।, है ना कोई ऐसा तो है नहीं कि यार मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ एक भी ऐसा है नहीं ना तो बस मतलब मैं मैं ये तो नहीं सोच रहा हूँ कि डेढ़ महीने तुम्हारा ध्यान नहीं रहेगा तुम कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे ये इशू मत फेस करवाना बस बाकी मैं तुम्हारा कौन चैप्टर कितना भी टफ़ क्यों ना हो तुम चाहे कितने ही उस सब्जेक्ट में वीक क्यों ना हो वो मेरी ज़िम्मेदारी है बस तुम कॉन्सेंट्रेशन और अपनी मेहनत मत कम कर देना मैं अभी भी कह रहा हूँ मैं सिर्फ पचास परसेंट ही डाल सकता हूँ मैं सिर्फ अच्छे से पढ़ा सकता हूँ तुमको समझा सकता हूँ तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भर सकता हूँ पर बाकी पचास परसेंट तेरे हाथ में ही है ये फोर्टी टू फोर्टी थ्री मार्क्स वाले दो होते हैं या तो क्लास किया था पर रिविज़न नहीं किया था ढंग से या तो फिर आधा अधूरा पढ़ के गया था और ये दोनों गलती मत करना आधा अधूरा पढ़ के मत जाओ और क्लास करने के बाद अपना भी समय अच्छा खासा देना आज आप लोग जा करके और फिर अगले क्लास में बहुत अच्छा लगेगा आगे बढ़े चले क्वार्टरली डिस्कस करें एक बार देना है कैलकुलेटर देना एक बार और कल से अटेंडेंस कंपलसरी कर रहा हूँ मैं क्लास में तीन चार एब्सेंट हुआ तो भैया फिर सोचना पड़ेगा कहाँ गलत जा रहे हो और लेट मत आना साढ़े दस की क्लास है अभी आठ बजे लेट हो रहे थे मैं समझ सकता हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा होता है ठीक है ना उठने के लिए बहुत ताकत लगी आज ठीक है आर अपॉन सेवन आर अपॉन हंड्रेड टू हंड्रेड की फोर हंड्रेड आर अपॉन फोर हंड्रेड प्लस वन मल्टीप्लाई में प्रिंसिपल कितना है आठ हजार है आठ, 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 आठ हजार दोस्तों एक साल में कितने क्वार्टर चार एक दो तीन चार क्या आपका एट फाइव एट फाइव सेवन फोर पॉइंट एट सेवन दोस्तों मैं प्रिंसिपल माइनस कर दूंगा आठ हजार क्या फाइव सेवेंटी फोर बचेगा दोस्तों अब डेढ़ साल वाला मुझे बताओ डेढ़ साल में कितने क्वार्टर छ एक साल में चार तो डेढ़ में कितने वन पॉइंट फाइव इंटू चार किया आपने छ आ गए तो आपको इक्वल बटन कितने बार दबाना है छह बार ठीक है आर अपॉन फोर हंड्रेड आर कितना मल्टीप्लाई बाय आठ हजार इक्वल टू कितने बार छह बार एक दो तीन चार पांच छबल एट सेवन सेवन पॉइंट सिक्स आपका आ जाएगा एट सेवन पॉइंट सिक्स क्लियर है दोस्तों चलिए मुझे बताइए छः महीने में कितने क्वार्टर छः महीने में कितने क्वार्टर दो, दो, दो तीन महीने का एक क्वार्टर होता है आराम से देखो आप कभी भी ये मत सोचो कि बाकी का आंसर आ गया तो मैं सोचना बंद कर दूँ क्लास में एक ये प्रॉब्लम है है ये प्रॉब्लम कि मान लो आपके आ, परफॉर्मेंस के पहले आपने दिमाग में आंसर निकाला उसके पहले किसी ने आंसर बोल दिया तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो आप अपने सोचना नहीं लगाते आपको लगा छः महीने में दो क्वार्टर कैसे हो गए उसने बोल दिया दो हाँ दो नहीं कैसे हो गए दो यार तुम पूछ सकते हो सर दो कैसे हो गया बिल्कुल पूछ सकते हो अच्छा ठीक तो तीन महीने का एक क्वार्टर तो छः महीने में कितने के तीन तीन महीने के दो क्वार्टर चलिए आर अपॉन फोर हंड्रेड प्लस वन मल्टीप्लाई बाय आठ हजार दो सौ छः महीने के लिए दो बार इक्वल टू बटन दबाऊ yes, एक दो क्या आपका एट टू एट टू पॉइंट फोर फाइव आ गया yes, और यहाँ पे टू एटी टू पॉइंट फोर फाइव दोस्तों एक बार देख लो क्या सबका सेम आंसर आए हैं सारे जहां भी आपने लिखे थे मैच किया ठीक है चलो दोस्तों मंथली पे आते हैं मंथली पे मुझे बताओ आर अपॉन हंड्रेड टू हंड्रेड फोर हंड्रेड हंड्रेड आर अपॉन टन मल्टीप्लाई बाय हजार इक्वल टू तो कितने बार बारह वन पॉइंट फाइव ईयरस के लिए हंड्रेड प्लस वन मल्टीप्लाई बाय आठ हजार डेढ़ साल में कितने महीने बारह अट्ठारह वन पॉइंट फाइव इंटू ट्वेल्व किया आप लोगों ने अट्ठारह आ गया होगा ठीक है तो कितना हो गया आपका अट्ठारह महीने अट्ठारह बारह इक्वल टू और दोस्तों दो छः महीने में कितने महीने छः महीने कन्वर्जन की जरूरत है क्या नहीं ऑलरेडी मंथ में चाहिए था मंथ में ही दिया हुआ है ये आप लोग कर लोगे ठीक है चलिए एक मिनट रुझ जाओ चलिए अब आ, आप लोग यहाँ से लिखा है आप लोगों ने लिखने का टाइम देना है लिखा है ये लोग आप लोग ने लिखो शुरू करो अब देखो हुआ क्या सबसे पहले आपने समझा लिखवा देता लिखने में ध्यान नहीं था अब आप लिखोगे तो आपको रिवाइज हो रहा है। हाँ यार मुझे पता है मैं लिख रहा हूं। अब समझ रहे ज्यादा नहीं, तो नहीं, फट से नहीं रुकूंगा इस पेज को फर्स्ट डे है राइटिंग के चक्कर में 45 सेकंड लगाओगे और धीरे धीरे फिर घिस्टावा वाली राइटिंग आ जाओगे तो ये एरो बनाना ये वाला एरो बनाना कि हमको हमारा बैंक बैलेंस पे और सुनिए इसके नीचे वाली जो जगह है ये जगह खराब मत करना कुछ और लिखवाना है मुझे यहाँ पे जगह खराब मत करना हो गया हाँ साइड और साइड मैं इधर ही हो जाता हूँ पूरा लो लिखो तो सोचा जी किसी का भी आंसर नहीं आ रहे थे आप लोग बिंदास पूछ सकते हो कॉपी दिखा सकते हो और एक चीज़ मत करना जब यहाँ पे मैं मान लो कभी वॉक करता हूँ वहाँ पूछ देखता हूँ तो आधे लोग अपना ऐसे एग्जाम के टाइप जैसे पता नहीं मैं चीटिंग करने आया हूँ उनका ऐसा ऐसा मत करना ठीक है अरे मैं चीटिंग करूँगा ठीक है हाँ अच्छा अरे ऐसा बोलो ना जूम आउट इसको जूमआउट कहते हैं दोस्तों ठीक है सो साइड नहीं कहते हैं ठीक है साइड इसको कहते हैं ऐसे पीछे हो जाओ सर अरे यार और कितना बाहर हो जाऊं? हो गया ये लिख लिया इसका मतलब इस इस डायग्राम से अपने ये कंक्लूड किया इंटरेस्ट कैन बी पेबल ईयरली हाफ ईयरली क्वार्टरली एंड मंथली इसलिए शब्द आपको बार बार दिखते हैं क्वेश्चन में और मजेदार क्वेश्चन वो होता है जिससे चारों क्वेश्चन यूज हो जाए दो महीने तक मंथली मिला फिर ईयरली हो गया फिर हाफ ईयरली हो गया फिर क्वार्टरली हो गया 2017 का सवाल था यह लिख लिया कोशिश करना पेंसिल यूज़ मत करना पेंसिल भी क्या होगा दो तीन बार में मिट जाती वो बिंदास पेन यूज़ कर टेंशन मत लें थोड़ा बहुत उठपटांग काटा पिटी चलती है बुक को लेकर बहुत सेंसेटिव मत हो जाना एकदम कि एकदम मतलब फिर और लड़कियाँ तो फिर स्केल पेंसिल वगैरह पूरा चालू कर देंगी वैसे मत करना थोड़ा बहुत चलता है हो गया कन्वर्जन पे आ जाए क्या आ जाओ खुद लिखो हाँ सर कॉपी मारना है लिखो कन्वर्जन याद है एक साल में कितने हाफ ईयर दो।, दो एक साल में कितने क्वार्टर चार।, चार एक क्वार्टर में कितने महीने वाह दी एक क्वार्टर में कितने महीने तीन तीन महीने में कितने क्वार्टर छः महीने में कितने हाफ ईयर छः महीने में कितने क्वार्टर देख रहा हूँ पूछ कैसे रहूँ मैं छः महीने में कितने क्वार्टर ठीक बारह महीने में कितने हाफ ईयर वाह क्या बात है आगे बढ़े लिखो कन्वर्जन चलो अब इस क्वेश्चन का को कोई आंसर देना चाहेगा तीन महीने में दोस्तों तीन महीने में कितने हाफ ईयर तो बढ़िया पॉइंट फाइव कैसे छह महीने का एक, हाँ एक और उसका भी आधा करना है अपन को तीन महीने में कितना पॉइंट फाइव हाफ ईयर आप लोग लिख दो यहां पे पॉइंट फाइव हाफ ईयर समझा ना ये क्वेश्चन नहीं आएगा इसलिए इसका कोई रेलिवेंस नहीं है कभी ऐसा कन्वर्जन का कोई काम नहीं आएगा पर फिर भी बस मैं अंडरस्टैंडिंग पॉइंट में से मैंने डाला है इसको पॉइंट फाइव हो गया आगे बढ़े दो दोस्तों धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना है और एक दिन हद से गुजर जाना है ठीक है तो अपन को धीरे 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 बढ़ाना है टेंशन लेना नहीं ये पेज कब पलटते जाएंगे कब आप लिखते जाओगे कब आप एडवांस लेवल पे आ जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा सब कुछ ऐसे इसी फ्लो में जाने वाला है हो गया ये चलिए ट्रिक हो गई सारी की सारी ट्रिक की शुरू एक मिनट रुक जाओ सारी की सारी ट्रिक की शुरुआत कहां से होती है आर, आर अपॉन हंड्रेड प्लस प्रस वन मल्टीप्लाई किया प्रिंसिपल से तो ट्रिक हो गई हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की एक ट्रिक आगे के लिए कहता हूं यदि प्रिंसिपल की जगह आपने हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दिया तो ट्रिक हो जाएगी इफेक्टिव रेट की बाकी सब कुछ एज इट इज अभी करेंगे अपन उस पर आ जाएंगे आज लिखो फटाक से लिखो क्या? लिख लिया दोस्तों फटाफट मैं लिख लिया मैं गलत नाम बोलता हूं क्या सही बोलता हूं मैं एक बार मैं नाम याद रख लूंगा धीरे धीरे मुझे नाम याद हो जाएंगे ठीक है दोस्तों जब भी आप कॉपी मैं आपको लिखने का समय दे रहा हूँ तो आप लोग प्लीज़ कॉपी मत करो उसको ठीक है ना मतलब एक बार आप समझो आपको रिटेन हुआ और रिटेन करके अच्छे से लिखो उसको करते वक्त भी दिमाग में इमेज मेमोरी आना चाहिए हाँ मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ इसको मुझे याद है पहले आपके दिमाग में इसलिए पन्नों में वो 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 पन्नों में इसलिए आपको याद है ऐसा नहीं होना चाहिए आपको पहले याद है आपको समझ है उसकी इसलिए आप लिख रहे हो उसको यदि आपको समझ नहीं आया वो चीज़ आप ब्लैंक छोड़ दो क्लास के बाद वापस आगे लेकर जाओ दोबारा समझो समझाओ तभी लिखूंगा मैं जिद पकड़ लो इस चीज़ की हो गया ये आगे बढ़ जाएं आगे बढ़ जाऊं दोस्तों, अभी आप लोग ये लिख सकते हो मंथली कैलकुलेशन में कर दू फटाफट -फर्ट थोड़ा सा ठीक है आर अपॉन चलो बताओ पहले वाला कितना आया था किसने लिखा निकाला है ये मंथली का बोलना फिर से एक बार एट एट फाइव सेवन एट फाइव सेवन फाइव एक जन बोलना आप बोलो चलिए देखते हैं सही है सबका सेम आया था आर अपॉन ट्वेल्व हंड्रेड प्लस वन मल्टीप्लाई प्रिंसिपल आठ हजार रुपए इक्वल टू कितने बारह बार एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह एट फाइव सेवन एट पॉइंट थ्री टू और आपका ब्याज हो जाएगा फाइव सेवेंटी एट पॉइंट थ्री टू।, टू हो गया चलिए वन पॉइंट फाइव अठारह बार इक्वल टू बटन दबाया होगा लोग कॉपी कर लो मैं भर देता हूँ इसको और दो चीज दो बॉक्स खाली अपना के लिखेंगे इस पे आर अपॉन ट्वेल्व हंड्रेड प्लसिपल आठ हजार एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह क्या ये आपका ट्रिपल एट टू आ रहा था yes, आपका होगा, ट्रिपल एट टू सेवन, yes, और आपका आ गया होगा छॉन टेड प्लस वन मल्टीप्लाई प्रिंसिपल आठ हजार इक्वल टू एक दो तीन चार पाँच छः आपका आया होगा एट टू एट फोर पॉइंट वन वन आपका आएगा टू एट्टी फोर पॉइंट वन वन चलिए दोस्तों हो गया ये yes, सब किसी को ऐसा कोई भी पार्ट है सर ये वाला पार्ट रिपीट कर दो मंथली क्वार्टरली क्वार्टरलीयरली किसी में भी क्लियर है yes, आगे बढ़े चलिए आपका दोस्तों एक बेसिक लेवल का अंडरस्टैंडिंग तैयार होता है अभी जाके कंपाउंड इंटरेस्ट का अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट को नेक्स्ट लेवल लेके जाने के लिए आगे बढ़ने वाले हैं अभी तो इसे शुरुआत है कंपाउंड इंटरेस्ट की मज़ेदार अभी सवाल आने के हैं पूरे हो गया ये चलिए दोस्तों क्वेश्चन बैंक बुक में मेरे हेल्प के बिना आप लोग क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू सॉरी सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्टी क्वेश्चन नंबर थर्टी वन क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव चलिए लाइन से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी जिसके पास बुक नहीं है आप यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हो प्रिंसिपल है एक हज़ार रेट है पाँच परसेंट एन इज़ एकवल टू फोर कह रहा है अमाउंट और सी बताओ यदि क्वेश्चन साइलेंट है ईयरली की हाफ ईयरली तो क्या मानू मैं ईयरली तो एन इक्वल टू फोर मतलब चार साल तो चार साल में एक ही बार जाएगा मतलब हर साल में एक बार जाएगा अटेंडेंस अच्छा आज से कंपल्सरी हो गया कितना आंसर है तीस का अरे देखो चश्मा मेरे को है तुमको भी है क्या ये एकदम तो ऐसा आंखें धुंधला जाती हैं वन टू वन फाइव लिखेगा और दूसरा अपने वन टू फाइव वन लिख देगा और तुम वन टू वन फाइव वन टू फाइव वन को टिक करके आओगे और तुम श्योर हो सही आए आगे बढ़े चलिए आप लोगों ने किया होगा आर अपॉन हंड्रेड फाइव अपॉन हंड्रेड प्लस वन मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल एक हजार कितने साल के बाद का अमाउंट चाहिए चार साल के बाद का एक दो तीन चार आपके सामने प्रकट है आपका आंसर आ गया क्या किस किस का नहीं आया ऑनेस्ट ऐसा किस किस का आ गया आया एक बड़ा खतरनाक पॉइंट है देखो ना नहीं आया हाथ नहीं उठाएंगे आ गया उठा लेंगे अब बीच में आप देख लो कि हमारे को नहीं आया था चलो शुरू करें दोस्तों ठीक है आइए दोस्तों मुझे बताओ यहां पे इसने कहा फाइंड व्हाट इज अमाउंट एंड सी आई इसमें अब अब क्या हुआ आप अब डेटा को इंटरप्रिटेशन शुरू करो आप कैसे टेबल में सजा के नहीं देगा जैसे मैंने दिया वो ऐसा आपको ऐसा क्वेश्चन की तरह ही देगा क्वेश्चन अब अपन क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन कह रहा है कल से दोस्तों क्वेश्चन और कैलकुलेटर दोनों रहेगा आज मैं आप लोग बुक पे देखना

अपॉन हंड्रेड प्लस वन मल्टीप्लाई रुक जाओ शांति से मल्टीप्लाई करने की हैबिट है अब, अब खोजने जा रहे अमाउंट दिख रहा है ये रहा। सर, मुझे इंटरेस्ट भी मांगा है क्या कॉम्पोनेंट खींचूंगा प्रिंसिपल एक हजार माइनस करूंगा ना। क्या दो सौ पंद्रह पॉइंट पांच जीरो आ जाएगा ऑप्शन क्लियर है अब देखिए क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिए रुपीज हंड्रेड विल बिकम वाह ये सवाल बहुत अच्छा क्यों है इसका जवाब मैं तीन साल तीन साल नहीं थर्ड लेक्चर में दूंगा आपको ठीक है क्यों दूंगा थर्ड लेक्चर में क्योंकि ये सवाल में आप ये भी कह सकते थे कि ये सवाल फ्यूचर वैल्यू का है आज इसलिए नहीं कह रहे हो क्योंकि फ्यूचर वैल्यू पढ़ा नहीं है अपने ढंग से अभी ठीक है ना जब फ्यूचर वैल्यू पढ़ लेंगे जब हम फ्यूचर वैल्यू पढ़ लेंगे तो मैं आपको इस क्वेश्चन में दोबारा लाऊंगा यदि मैं नहीं लाता हूं मैं भूल जाता हूं तो आपकी जिम्मेदारी सर एक बार क्वेश्चन नंबर थर्टी वन का इंटरप्रिटेशन हो जाए फ्यूचर वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्यों आप इस सवाल में इस सवाल में इस क्वेश्चन ने कहीं भी ये वर्ड नहीं कहा कि भैया फाइंड व्हाट इज द अमाउंट ये वर्ड डायरेक्टली नहीं लिखा नहीं है उसने वो क्या लिखा है रुपीज हंड्रेड विल बिकम तूने सौ रुपए आज बैंक में डाले वो कितने हो जाएंगे बीस साल के बाद क्या मांग रहा है बैंक बैलेंस मांग रहा है बता बीस साल के बाद वो कितने हो जाएंगे फाइव परसेंट पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट अब आप सोच रहे हो कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट लिखा है इसीलिए यह अमाउंट का है नहीं फ्यूचर वैल्यू के सवाल में भी उसको ये शब्द यूज करने का पूरा अधिकार है मतलब मैं इसमें एक शब्द ऐड कर दूंगा तो ये सवाल फ्यूचर वैल्यू का बन सकता है अभी मैं आपको इसलिए इसका हिंट कर रहा हूं ताकि हम लोग जब वो सवाल फ्यूचर वैल्यू करेंगे उसमें सॉलिड पॉइंट ऑफ व्यू बनाने के लिए हम इस क्वेश्चन वापस डी करने के लिए आएंगे कि क्यों आपने उस टाइम पे इसको फ्यूचर वैल्यू का नाम नहीं दिया ठीक है अब दोस्तों ये बात समझ में आ रही है अभी अमाउंट निकालना है यहां पे ठीक है फाइव आर अपॉन हंड्रेड रेट है दिया हुआ रेट शुरुआत कर सकते हैं आर अपॉन हंड्रेड प्लस हंड्रेड प्लस वन प्रिंसिपल कितना सौ मल्टीप्ला टू सिक्सटी फाइव पॉइंट थ्री टू आया होगा आप लोगों का ठीक है अप्रॉक्स है कोई दिक्कत आ गया सबका क्वेश्चन नंबर थर्टी वन आया रुपीज हंड्रेड विल बिकम सौ रुपए कितना हो जाएगा तू बता भाई बीस साल के बाद हो गया दोस्तों शुरू करें डिस्कशन चलिए आर अपॉन हंड्रेड प्लस वन मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल सौ इक्वल टू कितने बार बीस बार एक दो तो, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस क्या आप सभी का टू सिक्स थ्री टू आ रहा है क्या दोस्तों ऑप्शन हाँ। चलिए आगे बढ़ जाए इसमें कोई दिक्कत चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव और थर्टी सिक्स मेरे हेल्प के बिना करो मैं आपको डिकोड करने में भी हेल्प नहीं करूंगा ये आपकी जिम्मेदारी आप ढंग से पढ़ो इन्फॉर्मेशन को अच्छे से देखो क्या मांगा है क्या नहीं मांगा खुद सोचो द सी कंपाउंड इंटरेस्ट मांगा है साफ साफ सी आई वो ऐसे बड़ा बड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट वर्ड नहीं लिखा है सी आई लिखा है दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट कॉफी मांगा मैडम पक्का चाय कॉफी की पूरी व्यवस्था है यहां पे आपको यदि नींद आ रही है तो बता सकते हैं कॉफी नहीं मिलेगी ठीक है <laughs> सी पहले का बी टू फाइव डबल टू और दूसरे वाले का दोस्तों पहला वाला क्या इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली आर अपॉन हंड्रेड की टू हंड्रेड प्लस वन मल्टीप्लाई बाय सोलह हजार अरे वन पॉइंट फाइव तो लिखा है अब ये देखो इसको देख करके डर जाते हैं और इस वन पॉइंट फाइव है में कितने हाफ ईयर्स तीन तीन बार देखो ये सेम क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन हमने सेम वहां अभी किया टेबल में पर ड्राफ्टिंग कैसे कर दिया उसने वन पॉइंट फाइव ईयर्स ना लिख मतलब के वन एंड हाफ वन एंड हाफ मतलब कितना हो गया और लेकिन आपको ईयर्स नहीं चाहिए आपको तो नंबर ऑफ हाफ ईयर चाहिए तो डेढ़ साल में कितने हाफ ईयर क्या तीन बार इक्वल टू का बटन दबा सकते हो यस yes. आ गया अच्छा मैं कुछ पूछ रहा हूँ मुझे बताओ कितने लोग ये वन को डी नहीं कर पाते बी ऑनेस्ट मैं फिर से मैं संडे के लिए पूछ रहा हूँ संडे में मुझे क्या क्या प्लांट करना है अपने बेसिक्स में इसलिए पूछ रहा हूँ उठाओ हाथ और हो गया था 1.5 पॉइंट ईयर डी हो गया था कितने लोग 1.5 इयर्स को मंथ हाफ ईयर में कन्वर्ट नहीं करना भूल रहे थे बार बार एक्सेप्ट ही नहीं करोगे और हुआ ही नहीं गलती तो क्यों एक्सेप्ट करें ऐसा मैं कई बार मैंडेटरी करूंगा तो उठा देना आप ठीक है सुनो चलिए शुरू करते दोस्तों आर अपॉन टू हंड्रेड कितना है दस है क्या हाँ आर अपॉन टू हंड्रेड प्लस वन मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल कितना है सोलह हजार इक्वल टू कितने बार नंबर ऑफ ईयर्स की नंबर ऑफ हाफ ईयर्स डेढ़ साल में कितने हाफ ईयर तीन एक दो तीन अब ये अमाउंट को लेके बहुत लोग ऑप्शन मैच कर रहे होंगे हमको <laughs> पता है तुम कहां कहां पे कैसी कैसी जगह पे कहां अटकोगे क्या क्या, क्या करोगे सब पता है ठीक है ना वन को डी नहीं करोगे पता है ऐसा क्यों मैं भी ऐसा ही था ठीक <laughs> तो दोस्तों साफ साफ वर्ड लिखा है द सी आई द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या अमाउंट वर्ड लिखा है क्या नहीं तेरे पास जो है भाई यह क्या है अमाउंट इसमें से क्या माइनस कर प्रिंसिपल सोलह हजार क्या टू फाइव टू टू आ गया इंटरेस्ट हा टू फाइव टू टू चलिए आगे बढ़ जाए दो सौ आगे बढ़ जाए चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स दी आई ऑन चालीस हजार रुपए टेन परसेंट फॉर वन ईयर इंटरेस्ट इज पेबल क्वार्टरली अब क्वार्टरली वर्ड लिखते क्या आता है आर अपन हंड्रेड टू हंड्रेड की फोर हंड्रेड प्लस मल्टीप्लाई प्रिंसिपल कितना है चालीस हजार इक्वल टू कितने क्वार्टर एक दो तीन चार क्या आ रहा है पे? अमाउंट क्या आ रहा है वहां पे अरे तुम लोग इमेजिन तो करो ये कैलकुलेटर ये है कैलकुलेटर है ना अमाउंट क्या माइनस करूं प्रिंसिपल माइनस चालीस हजार और आपका आंसर सामने दोबारा करो जिसका भी आगे आंसर करो दोबारा गया शुरू करें चलिए दोस्तों आर रेट कितना है रेट कितना है दस आर अपॉन हंड्रेड टू हंड्रेड की फोर हंड्रेड आर अपॉन फोर हंड्रेड प्लस वन मल्टीप्लाई बात चालीस हजार इक्वल टू तो कितने कितने क्वार्टर चार. चार एक दो तीन चार माइनस कितना प्रिंसिपल चालीस हजार कितना आ गया फोर वन फाइव टू पॉइंट फाइव वन दोस्तों टोटल बारह क्वेश्चन में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन मिलेगा तुमको ऐसा तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं कि बारह बारह ऐसे आएंगे ठीक है ना एक क्वेश्चन ऐसे आएंगे बाकी अपन अब उसके लेवल तक पहुंचने की शुरुआत कर रहे हैं लेकिन इन ट्रिक्स में आपको इतना कंफर्टेबल होना चाहिए कि क्वार्टरली देखते ही चमक गया 400 हंड्रेड इक्ल टू में गलती नहीं कर रहा हूँ ये गलतियों को इंप्रूव करने के लिए ये क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए हैं ठीक है लेकिन ऐसा मतलब ये नहीं कि लेवल ही है लेवल तो बिल्कुल भी ये नहीं है आपका ये लेवल आपकी बहुत मतलब सिर्फ बेसिक लेवल पर अपन अभी कुछ भी एडवांस लेवल पर गए नहीं है क्वेश्चन में डेप्थ आएगी दोस्तों यहाँ से शुरुआत होने वाले क्वेश्चन धुआंधार सारे चलिए दोस्तों ये पॉइंट क्लियर हो गया बेसिक ट्रिक क्लियर हो गई yes, हाँ या ना ठीक है अभी मुझे बताओ स्पीड ठीक है yes. मैं अभी इस अभी मैंने थोड़ा सा क्वेश्चंस में हल्का सा स्पीड को रेपअप किया बढ़ाया एक बार आपको ट्राई कराया तुरंत डिस्कस किया क्या स्पीड से अपन मैच कर सकते हैं yes, पक्का अच्छा आज रुकूँ आज यहाँ पर कि अपन एक ले लें थोड़ा सा एडवांस थोड़ा सा ले लो एक 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 ले लें और एक ट्रिक और ले लें एक कंसेप्ट और ले लें चलो दोस्तों सुनिएगा चलो ठीक है एडवांस लेवल पे मैं कल लेके जाऊंगा एडवांस शॉर्टकट्स मैं कल शुरू करता हूँ लेकिन अपन यहाँ पे एक रिवर्स अप्रोच ले लेते हैं बस आज ठीक है सुनिए दोस्तों कल से टेन थर्टी टू ट्वेल्व थर्टी है उसको धीरे धीरे अपन दस पे ले आएंगे ठीक है फिर दस के साढ़े नौ कर देंगे अकाउंट्स का टाइम खींचना है मेरे को पूरा ठीक है अकाउंट्स का टाइम सुबह छह बजे करवा देंगे अपन और नौ बजे से तो चाहिए क्लास मेरे को कैसे भी करके वो धीरे धीरे स्ट्रैटेजी बनाएंगे हाँ भाई पक्का तो दोस्तों शुरू करें एक बार मैं नाम याद कर लेता हूँ मुझे क्वेश्चन पूछने की के तो तलब हो रही है आया 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 पर मैं नाम नहीं पूछ नहीं पा रहा हूँ पीयूष राहुल कभी इंटरचेंज हो गया तो भी तो आंसर दे देना ठीक है पीयूष राहुल अथर्व दोनों अथर्व अथर्व, अथर्व।, <laughs> अथर्व। शेखर गौरव।, गौरव इतना याद हो गया मेरे को एक मिनट पीयूष राहुल अथर्व अथर्व मेरे को याद है एक मिनट अरे एक मिनट <laughs> रिवाइज तो करने थे मेरे को आर अपन हंड्रेड मैंने याद कराया ना तेरे को <laughs> गौरव शेखर ठीक है चेतन नहीं मेरे को सुनना है विधि संकेत संकेत सत्य अच्छा। <laughs> अरे वाह एकदम मतलब ठीक है और हाँ वैभव अनिकेत बाप रे, अब बहुत इतना इतना काफ़ी आज के लिए <laughs> पीयूष राहुल अथर्व अथर्व, अथर्व शेखर गौरव विधि चेतन सही बोला ना मैंने अरे ये चैतन्य तो याद नहीं रहेगा भाई चेतन ठीक है ठीक है हाँ संकेत याद है संकेत तो संकेत सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम अनिकेत हाँ घनश्याम याद रहेगा ठीक है आज इतना काफी है ठीक है तो दो तो घनश्याम देखो अभी बीच में आया तो को समझ में नहीं आएगा ठीक है तो, तो बैठ क्लास के बाद आज का बैकअप आज करके आना कल मैं कंटिन्यू करूँगा उसके आगे तो को समझ में आना है तो आज का बैकअप ज़रूर करके आना ठीक है चलो दोस्तों एक एक अप्रोच लेते हैं एक आधा नाम और ले, ले लेता हूँ यहाँ के आदित्य वरद हर्षद जैन जैन इतना काफ़ी है प्रयोत्त याद है मेरे को मैं बहुत मुश्किल से याद कर पाऊँगा ये नाम सॉरेजनी सौरजली ठीक है चलो शुरू करते हैं ठीक है अब दोस्तों मैं बताता हूँ जब मैं मैं समझ जाना मैं तुम्हारा नाम लेता हूँ ठीक है ना आया तो समझ जाना तुम सो रहे थे इसलिए मैंने ऐसा कहा है ठीक है <laughs> शुरू करते हैं रिवर्स अप्रोच आइए एक ट्रिक और लेंगे आज पे रिवर्स अप्रोच पे सर बात यह है फॉर्मूले और ट्रिक में हम ऐसा क्यों भेदभाव करते हैं बताता हूँ क्यों जो फार्मूला होता है फॉर्मूले में हम अपने हिसाब से फॉर्मुले को मॉडिफाई तोड़ मरोड़ कर सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इं रेट इंटू टाइम मान लो सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है और आपको प्रिंसिपल भी दिया हुआ है टाइम भी दिया हुआ कह रहा है रेट निकाल तो तुम क्या करोगे रेट को लिख दोगे इधर सिंपल इंटरेस्ट को डिवाइड करोगे प्रिंसिपल और टाइम से मतलब ये हमारे पास लिबर्टी होती है कि आप ट्रांसपोज करके कोई किसी भी चीज़ का फॉर्मूला बना सकते हो अब आप इसको रेट का फॉर्मूला भी तो कह सकते हो ना कह सकते हो लेकिन ट्रिक में यदि मान लीजिए मैंने आपको दिया हमारी ट्रिक क्या होती है सारी की सारी ट्रिक की शुरुआत कहां से होती है अपॉन प्लस मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल के बाद आपने प्रेस किया इक्वल टू बटन और आपको मिल गया अमाउंट अमाउंट पर मैं कहता हूं दिया हुआ है तू बता रेट कितना होगा अब पॉइंट ये फॉर्मूला होता तो इधर उधर करके निकाल लेते हैं मिसिंग वैल्यू निकाल लेते हैं और मिसिंग निकाल वैल्यू निकालने के लिए तुमको लगता है बेसिक्स ऑफ मैथ्स जो तुम्हारा खराब रहता है हर बार और उसके बाद तुम बोलते हो कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से पेपर बिगड़ गया मैं तो बहुत अच्छा पड़ गया अरे क्या अच्छा पड़ गया ठीक है अब पॉइंट ये तुझे जब रेट प्रिंसिपल और टाइम अब दोस्तों हमारे ट्रिक में जो फार्मूला होता है कंपाउंड प्रिंसिपल इंटू वन प्लस आई की पावर एन जो एन होता है वो टाइम होता है वहाँ पे है ना अब पॉइंट ये कि यहाँ पे टाइम कहाँ है रेट तो दिख रहा है साक्षात ये बैठा हुआ है प्रिंसिपल भी दिख रहा है टाइम कहाँ है टी तो है ही नहीं यार अरे साला ऐसा फॉर्मूला बिना टी के काम कर रहा है? नहीं इक्वल टू का बटन क्या है टी तुम इक्वल टू बटन कितने बार दबाते हो नंबर ऑफ ईयर्स नंबर ऑफ हाफ ईयर तो ये रहा आपका

प्लस लिखना मत लिखना मत r upon 100 1 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल के बाद क्या आता है अमाउंट दोस्तों इक्वल टू या इक्वल टू के पीछे यदि आपसे क्वेश्चन कुछ भी मांगता है तो आप यूज करेंगे रिवर्स अप्रोच क्या यूज करेंगे अब ये रिवर्स अप्रोच वर्ड मैं इस चैप्टर में दे दिया मैंने वर्ड अब मैं किसी भी चैप्टर में रिवर्स अप्रोच वर्ड यूज करूंगा तो हमारा कॉन्सेप्ट यही रहेगा ठीक है पर हम हर बार लिखेंगे हर चैप्टर में पर रिवर्स अप्रोच वर्ड अब रिवर्स अप्रोच वर्ड ही रहेगा चाहे वो इक्वेशन चैप्टर आ जाए चाहे अभी अपन अगले जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े मतलब एक कॉमन वर्ड पे ही हम लोग काफी कुछ इन्वेंट करेंगे और मल्टीपल चैप्टर में यूज करेंगे जैसे मैं एक वर्ड लाऊंगा के कॉन्सेप्ट के कॉन्सेप्ट जब एक एज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एक्स की पावर वाई वाई की पावर जेड जेड की पावर एक्स बताओ इसकी वैल्यू ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना अब इसमें एक कॉन्सेप्ट मैं इंट्रोड्यूस करूंगा मान लो के कॉन्सेप्ट नाम दूंगा उसको अब वो के कॉन्सेप्ट एलजब्रा में कहीं भी मैं कहूंगा के कॉन्सेप्ट यूज कर ले तो तुमको समझना चाहिए हाँ 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 के कॉन्सेप्ट लॉक में पढ़ा था ऐसा नहीं है कि कोई एक कॉन्सेप्ट एक चैप्टर में पढ़ लिया है जबरा में तो वो कहीं और नहीं होगा अरे सर इक्वेशन पढ़ रहे हैं आप लोग गर्दम का ट्रिक लगवा रहे हो यहाँ पे अरे क्या हो गया वो कॉन्सेप्ट था मैथ्स का यार मैथ्स पढ़ने का तरीका यही है कि एक पैटर्न उन्होंने पढ़ा उस पैटर्न से हम जहाँ जहाँ जैसा जैसा लगे हम यूज़ कर सकते हैं ठीक है अब जैसे कि आपको आपके एडिशनल क्वेश्चन बैंक जो सीक्वेंस सीरीज की है अब उसने क्या किया आपको पता है सीक्वेंस एंड सीरीज के वर्ड प्रॉब्लम ही हमारे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन है ये फैक्ट है एडिशनल क्वेश्चन बैंक जो आपका बना हुआ है सिक्वन सीरीज का वो क्वेश्चन टाइम वैल्यू ऑफ मनी की ट्रिक से करेंगे अपन क्योंकि उसका क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको कल यहाँ पे एडवांस शॉर्टकट नंबर वन पे मैं बताऊंगा कि दोनों चैप्टर कहाँ पे आकर के एक हो जाते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज और टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले चैप्टर में कहाँ पे एक रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे अपन करेंगे धीरे धीरे चैप्टर में बहुत जबरदस्त लेवल पर लिंकेज क्रिएट करेंगे अपन ये एक कॉन्सेप्ट सबसे भारी सुनिएगा रिवर्स अप्रोच यदि प्रिंसिपल रेट और टाइम प्रिंसिपल रेट और टाइम आपसे मांगता है मतलब इन शॉर्ट अब मैं कह रहा हूं इक्वल टू या इक्वल टू पीछे कुछ भी आपसे मांगता है इस पूरे चैप्टर में रिवर्स तो अप्रोच क्या है लिखिए मेरे साथ इसमें लिखो गो फ्रॉम गो फ्रॉम ऑप्शन टू क्वेश्चन गो फ्रॉम ऑप्शन टू क्वेश्चन जो भी ऑप्शन आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं पंजाबी मराठी जो आपको आती है जैसे अच्छी लगती है आप वैसा लिख सकते हो ठीक है जो भी ऑप्शन क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा वो ऑप्शन राइट वो ऑप्शन राइट right है गो फ्रॉम ऑप्शन टू क्वेश्चन गो फ्रॉम ऑप्शन टू क्वेश्चन जो भी ऑप्शन क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा वो ऑप्शन राइट right है इसका मतलब कहना क्या चाहते हो सर मैं कहना चाहता हूं जो भी ऑप्शन आपको एल एच एस इक्वल टू आर एच एस करवा दे वो ऑप्शन राइट right. ये है क्रक्स ये है क्रक्स इस पूरे पॉइंट का जो भी ऑप्शन आपको एल एच एस इक्वल टू आर एडजस्ट करवा दे वो ऑप्शन राइट लिख लिया आइए इस पर क्वेश्चन लेकर गए शुरू करें बस ये कॉन्सेप्ट ये ला, लास्ट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट है आज का अच्छे से ध्यान देना ठीक है शुरू कर जाएं चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन मेरे साथ पढ़ना करोगे आप इस क्वेश्चन चलो एक काम करो ना पहले घटिया सा क्वेश्चन दिख गया सामने खत्म करो उसको थर्टी नाइन को खत्म करो एक बार दस सी आई ऑन चार हजार फॉर सिक्स मंथ क्वार्टरली क्वार्टरली है आर अपॉन हंड्रेड छह महीने में कितने क्वार्टर करो निकालो आंसर फटाक से इसका टू फोर्टी थ्री पॉइंट सिक्स जीरो आ रहा है आप लोगों ने किया होगा ट्वेल्व अपॉन 400. फोर हंड्रेड आर अपॉन फोर हंड्रेड क्या होगा प्लस वन मल्टीप्लाई बाय चार हजार इक्वल टू तो का बटन आपने नंबर ऑफ क्वार्टर दबाया होगा और छह महीने में होते दो क्वार्टर आपने दबाया एक दो आपके सामने आया अमाउंट अब फिर से ऑप्शन मैच मत करना वहां पे सी आई मांगा है माइनस प्रिंसिपल फोर्टी थ्री पॉइंट सबका आंसर आया इसमें आगे बढ़ू आइए अब आते रिवर्स अप्रोच के क्वेश्चन पे आते हैं देखिए तो सब बहुत ही इतमान से मैं बहुत श्योर था कि इस बार क्वेश्चन नंबर थर्टी टू आएगा ये वाला एग्जाम में अटैम्प्ट पता नहीं शायद नहीं आया वो क्वेश्चन क्योंकि इंस्टीट्यूट ने पहली बार टाइम वैल्यू ऑफ मनी के जो अभी अभी ग्रीन कलर का कवर चल रहा है ना पहले वाइट कलर का कवर था मॉड्यूल का तो उन्होंने मैं आपको पता था एग्जैक्ट कौन कौन से पेज नंबर पर चेंजेस आए उन्होंने पूरे टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कोई क्वेश्चन का एडिशन नहीं किया उन्होंने पहली बार ऐसा किया कि ऑप्शन को गलत चेंज किया और चलो ऑप्शन भी किस प्रकार चेंज किया नन ऑफ दिस को करेक्ट करवाया ये ऑप्शन अभी जो ये क्वेश्चन अब अपन सॉल्व करने वाले हैं इसमें ऑप्शन ए है ट्रिपल एट पॉइंट एट जीरो पहली बार इंस्टीट्यूट ने कवर चेंज करा और कंटेंट में जाके ऑप्शन में नन ऑफ दिस को लाया तो आई वॉज वेरी मच श्योर कि यार योश्चन्स को इसने नन ऑफ दिस क्यों लाया उस मुझे थॉट प्रोसेस समझ में आया दे विल आस्क मुझे लगता है ये क्वेश्चन आज नहीं तो कल गलत ऑप्शन के साथ आएगा ऑप्शन को मॉडिफाई करके आएगा क्योंकि अभी नए वाले मॉड्यूल में इनसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे ऑप्शंस को चेंज कर रही है वेरी वेरी गुड अप्रोच बहुत अच्छा काम कर रही है वो मतलब वो बहुत साइकोलॉजिकली बच्चों को बहुत चेंज कर रही है मतलब जबरदस्त उन्होंने स्ट्रैटेजी खेली है इसमें तो सो तो ये मैं सही ऑप्शन के साथ है नए वाले मॉडल में ऑप्शन चेंज हो गए हैं ठीक है थीके? पर मैं चेंज नहीं कर रहा सुनना क्वेश्चन नंबर थर्टी टू देखना इफ अमाउंट इज एक हजार ए मतलब अमाउंट यूज करता है इफ ए इज अमाउंट दिया हुआ एक हजार पूरा पुर, ध्यान देना यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं करूंगा तुम ही सॉल्व करोगे टेंशन मत लो समझो यहाँ पे और अपनी कैलकुलेटर नहीं पूरा ध्यान अमाउंट है एक हजार दो सालों के लिए छह परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली पी इज मतलब प्रिंसिपल मांगा है बोलो हाँ ना क्या आपसे के पीछे कुछ मांग रहा है yes, बोलो क्या अप्रोच यूज करेंगे रिवर्स अप्रोच बोलो या ना? Yes, अब रिवर्स अप्रोच कहती है, तू से जा। जिस भी है, तुझे LHS equal to RHS कर दिया है, वो कितना एक हजार मुझे एल एच एस में एक ऐसा प्रिंसिपल चाहिए जो मुझे एक हजार रुपए का अमाउंट दे दे दोस्तों मैं शुरुआत करूंगा क्वेश्चन की रुको कैसे पहले यहां पे कैलकुलेटर चाहते हैं ठीक है तो कितना रेट है आपका सिक्स अपॉन यहां मेरे साथ नहीं नहीं विधि नहीं एकदम गर्ल्स को मतलब एकदम नहीं लिखना तो लिखेंगे यूज नहीं करना करेंगे ठीक है फिर बोलेंगे ध्यान दो तो नहीं देंगे आर अपॉन टू हंड्रेड सिक्स अपॉन टू हंड्रेड प्लस वन मल्टीप्लाई बाय अरे प्रिंसिपल की तो कमी खल रही है उठाएंगे ऑप्शन से मैंने ऑप्शन ए के प्रिंसिपल को उठाया मल्टीप्लायट ट्रिपल एट पॉइंट एट जीरो उसने प्रिंसिपल मांगा है मैं ऑप्शन प्रिंसिपल बैठे हुए हैं मैंने कहा ऑप्शन ए सुनना ऑप्शन ए के प्रिंसिपल को कहा हे ऑप्शन ए के प्रिंसिपल प्लीज प्लीज मुझे एक हजार रुपए का अमाउंट दे दो यदि वो एक हजार रुपए का अमाउंट दे देता है वो ऑप्शन क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर देता है तो वो ऑप्शन राइट right? फिर से शुरुआत करेंगे एक बार आर अपॉन हंड्रेड की टू हंड्रेड सिक्स अपॉन टू हंड्रेड प्लस वन मल्टी प्लावेट प्रिंसिपल मैंने उठाया ऑप्शन ए के प्रिंसिपल को मल्टी प्लावेट ट्रिपल एट पॉइंट एट जीरो और मेरी क्या मनोकामना है ऑप्शन ए से है प्लीज तो एक हज़ार रुपये का अमाउंट दे दे ठीक है कितने साल दो साल तो दो बार इक्वल टू कि चार बार चार क्योंकि आ, हाफ ईयरली था आपने इक्वल टू बटन दबाया एक दो तीन चार और सामने फ्लैश होता था एक हज़ार इसका मतलब क्या है ये वो ऑप्शन है जो एक हज़ार रुपये का अमाउंट देने की क्षमता रखता है ये ऑप्शन राइट करोगे अपने आप मैं चाहता हूँ आप लोग पहले ऑप्शन सी को चेक करो प्लीज़ ऑन माई रिक्वेस्ट पहले आप ऑप्शन सी को चेक करो हाँ हाँ पता है ऑप्शन ए हो रहा है ठीक है पर करो तुम पहले सी से शुरुआत क्वेश्चन हो गया सत्यम गया। आया आंसर सी सी आया क्या तेरा ध्यान नहीं है चलो ऑप्शन ए ट्राई करूँ ऑप्शन ए ऑप्शन ए करो ट्राई हो गया चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन दोस्तों आर अपॉन सॉरी आर अपॉन हंड्रेड की टू हंड्रेड प्लस वन मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल प्रिंसिपल तो मांगा है सर कहां से उठाऊं ऑप्शन से उठाता हूं

मैं ऑप्शन से मारता हूँ हे ऑप्शन है प्लीज प्लीज मुझे क्या दे दे एक हजार एक दो तीन चार मिल गया मतलब दोस्तों बधाई हो ऑप्शन हुआ है ऑप्शन ए दोस्तों क्या रिवर्स अप्रोच क्लियर है हाँ चलिए ठीक है आज मैं आ, कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चन होमवर्क नहीं है सिर्फ डी करके आना पहली वाली अभी नहीं कर पाओगे बहुत कुछ बचा है ठीक है अरे तो क्लास के बाद मिलती है यार वो ठीक <laughs> है ठीक है अभी सुनो मेरी बात दोस्तों स्पीड कल से थोड़ी सी बढ़ाऊंगा मैं आज का जर्नलिट जनरल ट्रेंड ये होता था कि फर्स्ट लेक्चर में हमारा जो टारगेट था ये नोट्स खत्म हो जाते हैं और हमारा एडवांस शॉर्टकट दो शॉर्टकट खत्म हो जाते हैं हम लोग बस आधी घंटा डिले चल रहे हैं एक्सपेक्ट तो मतलब मेरी स्पीड इतनी मैच करके कि आधे घंटे का कॉन्टेंट और डिलीवर होना शुरू हो जाएगा डेली बेसिस पर ठीक है आज फर्स्ट डे था स्पीड को थोड़ा सा कम रखा है एक बार रेपो मैच हो जाए अपन धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे चलिए कल मिलेंगे दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है जब भी मैं ऐसा कहूँ तो समझ जो मैं ऐसा रिकॉर्डिंग के लिए कह रहा हूँ तुमको बैठना है पाँच मिनट और